हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटे 5। तो जल्दी से जाओ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। गाइस, पिछली वीडियो में 17,000 लाइक्स हुए ही नहीं है भाई, प्लीज यार, ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे इतना डीमोटिवेट फील हो रहा है ना कि मेरा लाइक गोल कंप्लीट नहीं हो रहा, इसीलिए मेरा ना गाइस वीडियो डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ, हाँ भाई, चलो न्यू ईयर है, मैंने सोचा चलो यार गाइस, यार आप लोग वेट कर रहे होगे, चलो नए साल पे नई वीडियो भी डाल देते हैं। बट यार आप लोगों ने भाई बहुत गलत किया, मतलब यार पिछली वीडियो पे 17,000 लाइक्स हुए नहीं है एंड मेरे को इतना ज़्यादा दुख लगा ना भाई, सही में बता नहीं सकता। प्लीज़ यार गाइस, इस वीडियो में 17,000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को। अंदर से इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है ना जब लाइक गोल कंप्लीट होता है ना, अंदर से इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है ना भाई वीडियो बनाने का, तभी तो भाई आपको दो दो दिन में वीडियो मिल रही है। तो गाइस यार फटाफट से लाइक गोल कंप्लीट करो, आज ही लाइक गोल कंप्लीट करो, कल ही न्यू वीडियो आ जाएगी। जिस दिन लाइक गोल कंप्लीट होगा ना, अगले दिन आप लोगों को पक्का 100% वीडियो देखने को मिलेगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी तो आप लोगों को पता ही होगा हमारी फैमिली हॉस्पिटल में थी, तो हॉस्पिटल से हमने उनको भाई डिस्चार्ज करवा लिया एंड वो भाई क्रिसमस पार्टी में गई हुई थी। उसके बाद अगले दिन हम जाके वहां से क्रिसमस पार्टी से उनको ले आए। तो अगले दिन मुझे कॉल आया बिग माफिया का, तो बिग माफिया ने गाइस मुझे दिए $5 million जो कि मैंने घर पे रख दिए थे। काफी लोगों को ऐसे लग रहा था जब लास्ट टाइम अपनी लिम्बोर्गिनी से यार ब्लास्ट हुई थी ना, उसी में पैसे भी चले गए। नहीं, मैं गाइस एक राउंड घर पे भी मार के आया था, बट वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो पैसे जो अपने घर पे सेफ है, तो बिग माफिया ने मुझे $5 million इसीलिए दिए थे कि लिबर्टी सिटी में जाके उसकी एक बहुत ओल्ड विंटेज कार है, उसको हमें एक तो भाई रिकवर करना है एंड उसको हमने गोल्ड का बना के देना है। तो गोल्ड कहाँ से लाएंगे वो बाद की बातें हैं, गोल्ड का उसको बना के देना है उसका भाई, वो हमें $100 million का। $5 million उसने हमें दे दिए हैं, $95 million वो हमें आज या कल में दे देगा जब हम उसको कार की फोटो भेजेंगे। इसीलिए हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उसके बाद गाइस क्या हुआ, हमारे पास एक प्लेन हुआ करता था ना जिससे हमने एक मिलिट्री की सीक्रेट जगह से एक व्हीकल चुराया था, आप लोग को पता ही होगा, गैंग्स को मारने के लिए। भाई वो जब मैं प्लेन वहाँ से लेने गया, गैंग्स ने वहाँ पे अटैक कर दिया, मेरी लिम्बोर्गिनी से यार ब्लास्ट कर दी, और भाई वो जो प्लेन था ना, जो तगड़ा खतरनाक प्लेन था, वो भी पूरा फुली ब्लास्ट हो गया। भाई वो इतना खतरनाक प्लेन था ना, उसके पंख ऊपर को भी हो जाते थे, नीचे को भी हो जाते थे, और क्या ही चीज़ थी भाई। लेस्टर ने पता नहीं कितनी मुश्किल से वो लिया था, लेस्टर बहुत नाराज़ हुआ भाई मेरे से। बाकी चलो यार, मैंने मना लूंगा लेस्टर को, बाद में फिर कभी ले लेंगे भाई उसको दोबारा से। तो गाइज हमने भाई उसके बाद फिर गैंग वैंग को कूटा, उसके बाद ना गाइज मैं इतना नाराज हो रहा था ना, उसके बाद मुझे मैंने लेस्टर से पूछा, तो लेस्टर ने मेरे को बोला कि भाई तुम डेविन वेस्टन से मिलो। हम डेविन वेस्टन के पास गए, तो डेविन वेस्टन ने गाइज मुझे दिया उसके वेयर हाउस में जो प्राइवेट जेट खड़ा होता है ना, उसने उसकी मुझे चाबी दे दी बड़े प्यार से। तो भाई वो प्लेन हम लेके तो जा सकते हैं, बट वहां से भाई उस प्लेन से गाड़ी नहीं लेके आ सकते। हाँ बस इतना है कि हम वो प्लेन ले जाते हैं, उसके बाद भाई गाड़ी वाड़ी देख लेंगे कैसे लेके आएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो भाई बिठाना ही पड़ेगा। तो बाकी चलो ठीक है, बस ही अभी हम वही जा रहे हैं, एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, और एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट उठाएंगे, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे लिबर्टी सिटी। और गाइस काफी लोग बोल रहे थे भाई यहाँ पे क्या यार, ये क्या हो रखा है भाई, यार हो कुछ नहीं रखा, ठंड बहुत हो रखी है भाई, ये देखो स्नो वनो पड़ रही है, तो स्नो के चक्कर में ना भाई ठंड हो रही है। न्यू ईयर तक यहाँ पे ठंड रहती है, न्यू ईयर के बाद भाई मतलब ठीक हो जाएगी, एक दो दिन में भाई ठीक हो जाएगी अब ठंड वंड। तो उसी चक्कर में अभी क्या पता लिबर्टी सिटी जाए, वहाँ पे क्या पता ठंड ना हो भाई, वो तो गाइस हमें वहीं पे जाके पता चलेगा। बाकी यहाँ पे ना भाई बहुत सारे ट्रैफिक लगा हुआ है, वेट, अबे ये क्या हो जाता है लोगों को भाई, हमने चलते फिरते क्यों कोई अटैक करने लग जाता है यार, पुलिस, अबे ड्राइवर क्या कर रहा, पागल है तू भाई, गोलियां भाई साहब इस बंदे ने गोलियां चला दी, अबे ये ड्राइवर पागल है एक नंबर का, तुझे गोली चलाने को किसने कहा था, पुलिस वाले का भाई कहा भी नहीं है फिर भी मेरे पीछे लग चुके हैं। मतलब मुझे लग रहा ना गाइस जो लास्ट टाइम गैंग अटैक हुआ था ना भाई, ये गैंग वालों के साथ मिलके ही ना अपने ऊपर अटैक वटैक कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सामने पुलिस खड़ी है, रुक तेरी पैंस की टांग भाई, इनको साइड करो, पैंस की साइड कर भाई, ड्राइवर मार मार, अब तो मैं तेरे को खुद कह रहा हूँ मार 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 मार, रुक भाई पहुंच गया यार भाई भाई भाई, बहुत ढंग से गाड़ी मुझे चलानी पड़ेगी क्योंकि भाई जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो पागल हो रखा है, बहुत ज्यादा स्नो के कारण ना दिख भी नहीं रहा ढंग से कुछ भाई। चलो ठीक है भाई, इतनी ज्यादा स्नो हो रही है ना, इस चक्कर में ना भाई ट्रैफिक भी पागल हो चुका है। बाकी चलो ठीक है भाई, ड्राइवर नहीं 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 भाई, भाई ये बहुत गलत हो रहा है, तेरी पैस की टांग, ओ भाई क्या कर रहा है बंदा। गाइस यार ये तो भाई गंदा ही अपने पीछे लग चुके हैं भाई, मुझे ना को भी कुछ करना पड़ेगा, तरकीब लगानी पड़ेगी। रुको रुको, पहले ना भाई एक सेकंड, एक काम करते हैं पहले ना ये, हाँ चलो भाई ये ना ड्राइवर्स को खत्म करेंगे ना, उसके बाद ना भाई इनके बंदे ही आने खत्म हो जाएगा। रुको रुको भाई, कितना करीब आ चुका बंदा, रुको 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 भाई, ड्राइवर फोर 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 फोर, इसका प्लेन फोर भाई, इसका प्लेन फोर, प्लेन फोर, प्लेन फोर, तेरी पैस की टांग। रुको रुको यार, गलत सीन हो रहा है भाई अपने साथ,
और भाई ये जो बैनी की बाइक है ना, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो भाई बैनी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। भाई बेचारे बैनी ने ना किसी कस्टमर की बाइक थी, उसने मुझे ला के दी थी, तो इसी चक्कर में मुझे बैनी के साथ ये नुकसान नहीं होने देना। रुको 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 भाई, बैनी तो वैसे ही, क्योंकि अभी सारा काम हमें बैनी से ही करवाना है, तो ये भाई बैनी हमें बाइक ना पूरे ढंग से चलानी पड़ेगी। रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ढंग से चला लेंगे। अबे पागल भाई, क्या पागल था ये ट्रक वाला। रुको, तुम्हारी ऐसी साइड करते हैं इसकी टांग। अबे साइड हो भाई, वो ट्रक वाले एक नंबर पागल था, तेरी पैंस की टांग साइड कर ट्रक को तेरे। चलो भाई रुको रुको, ड्राइवर बैठ यार भाई, बाइक में बैठ भाई, ऐसे तो भाई ये गलत सीन हो जाएगा अपने साथ। बैठ चलती बाइक पे पैंस की तेरी, ड्राइवर बैठ भाई बाइक पे बैठ भाई, और इनको खत्म करना तो पड़ेगा ही। रुको रुको एक सेकेंड, आओ आओ तुम्हारी पैंस, रुक भाई इनके ना ड्राइवर्स को खत्म करो, और भाई अपने आप ही गाड़ी आना अपने पीछे बंदी हो जाएगी भाई, ड्राइवर्स को ही खत्म करना पड़ेगा। अबे यार मैंने कुछ सही में लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बिना मतलब के अपने पीछे पुलिस लगेगी है। अब अगर मैं पुलिस भाई ऐसे ट्रैप अभी मैं अगर एयरपोर्ट में घुसा ना भाई, एयरपोर्ट में इतनी ज्यादा पुलिस होती है ना, तो मुझे वहीं पे घेर लेगी और खामखा हमें जेल वेल हो जाएगी। हमें गाइस पहले कैसे भी करके ना पुलिस से पीछे छुड़वाना है, उसके बाद। अबे पागल भाई, ड्राइवर बच गया। ओ भाई तेरी ऐसी की तैसी भाई, ड्राइवर गंदा ही बचा यार। ड्राइवर सीधा नीचे जाने वाला था भाई, रुक रुक रुक, ड्राइवर उतर यार गाड़ी से नीचे। गाइस यार कहो ना कहो भाई, ड्राइवर जो है ना वो पूरी किस्मत से बचा है भाई साहब। अभी अंदर नीचे जाने वाला था, पुल से नीचे गिरने वाला था अभी ना। गाइस मैंने ड्राइवर को बोला भाई तू ना शूटिंग के ऊपर ध्यान दे, मैं अकेला मतलब मैं बाइक भाई ढंग से ही चला लूंगा भाई, इतने में मैं शूटिंग वूटिंग करते चक्कर में ना बाइक में भाई भाई मुझे बहुत डर लग रहा है सही में, दिल इतना धक धक हो रहा है ना भाई। ड्राइवर अभी मर जाता भाई जिंदगी भर के लिए भाई, छोटा सा बचाव रह गया, ड्राइवर पुल से नीचे ही गिरने वाला था। बहुत डर लग रहा है यार मुझे ना, अभी पुलिस से भाई कैसे भी करके पीछे छुड़वाना पड़ेगा, ये तो भाई बहुत गलत हो रहा है। अबे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, एक काम करता हूँ माउंटेन वाली साइड से, तो पागल कहीं के तेरी पैस की टंग भाई, इनको ना मजा चुकाना पड़ेगा तेरी ऐसी जैसे। अब तो भाई तेरे को तो मौत देनी पड़ेगी। अबे ड्राइवर देख भाई, हाँ हाँ भाई बिल्कुल 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 भाई साहब, भाई बेचारा ड्राइवर अभी मर जाता यार। रुको यार मुझे ना पहले माउंटेन वाली साइड पे जाने दो भाई, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े होंगे ना तो पुलिस अपने से पीछा छूट जाएगा, देन उसके बाद हम यहाँ से निकलते। एक ना भाई ऊपर ना पहले हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर फोड़ भाई ड्राइवर, एक सेकेंड भाई बाइक में से काला धुआं निकलने लगा। रुको रुको, बाइक से नीचे होता भाई ड्राइवर, इसको फोड़ते हैं। चलो गाइस ठीक है यार भाई, इसको कैसे भी करके हम फोड़ लेना एक बारी, देन उसके बाद ना हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट करेंगे ताकि पुलिस अपने से हट जाए, एंड उसके बाद ना हम बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाए। भाई ड्राइवर अब बता भाई क्या करना है, मैं तेरी ऐसी तैसी, निकल यहाँ से पैस की भाई इसको। रुको रुको मेरे पास ना स्टिकी बॉम्ब है, वहां तक यहाँ स्टिकी बॉम्ब भी नहीं पहुंचेगा यार। गाइस यार एक सेकंड, ये एफआईबी वाले भी यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं भाई, क्या गलत सीन हो गया यार अपने साथ। रुको रुको पहले ना इनको साइड कर, तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से भाई। ड्राइवर और मैं दोनों लगे पड़े हैं, ड्राइवर देखो भाई इस पे लगा पड़ा है, इस पे निशाने पे निशाना मारने भाई। ठीक है ड्राइवर इसको खत्म करना पड़ेगा हमें, देन उसके बाद ना भाई एक सेकेंड इसको नीचे कर पहले पैंस की टांग भाई, आजा 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 आजा। चलो गाइस ये तो अभी ब्लास्ट पूरा, भाई 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 ये तो ब्लास्ट हुआ, एंड उसके बाद ना मुझे इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा, और मुझे ना एयरपोर्ट पे भाई पुलिस से बच के जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे पुलिस की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, एंड हमें ढंग से भाई कुछ ना कुछ तरकीब लगा के वहां से निकलना पड़ेगा, वहां पे चेकिंग वेकिंग पूरी रहती है भाई। रुको 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 गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, एक सेकंड एक बंदा ना यहाँ पे छुपके मार रहा है, तेरी ऐसी जैसी पहले तो ये निकल, मर गया ना भाई ये बंदा, एक सेकंड एक ना यहाँ पे छुपके मार रहा है, एक सेकंड स्वैट सोल्जर भी आ रहे हैं भाई, स्वैट एफआईबी सब आ रहे भाई, ये कैसे लटकता हुआ जा रहा है, पहले तू निकल भाई। चल भाई इसकी बॉडी को ना नीचे फेंकते हैं, चलो छोड़ो बस की फेंक ही देते हैं यार, क्या ये अब कोई आ तो नहीं रहा, तो इसके साथ खेल लेते हैं ना जब तक कोई आ नहीं रहा। भाई ये पुलिस वाले कब अपना पीछा छोड़ेंगे यार, एक तो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से ट्रैव भाई 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 भाई, एक सेकंड ये तो ट्रैवर के भाई 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 एक सेकंड ये ट्रैवर क्या कर रहा है भाई, इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। ओके 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 गाइस ट्रैवर उधर खड़ा है, ये बंदा ऊपर से चढ़ के आया था तो इजीली इसने देखा नहीं, बाकी चलो ठीक है भाई ड्राइवर अपना बाइक के पास खड़ा है। मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं ना ऊपर चलता हूँ, एंड ऊपर जाके शायद हो सकता है भाई ये पुलिस वाले ना हमें ढूंढ ना पाए। एक मिनट मैं ना ड्राइवर को भी बुला लेता हूँ अपने साथ, एक सेकंड भाई ऊपर चढ़ के कुछ होना होगा नहीं यार, ऊपर तो भी जगह नहीं है, ऊपर ठंड भी इतनी ज्यादा है भाई, नीचे उतरना पड़ेगा। रुको भाई ओए वेट भाई, मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे पास पैराशूट होगा भाई, खुल जाएगा, पैराशूट ही नहीं खुला। बाकी रुको यार ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, तू कुछ करना भाई इनको खत्म कर। चलो ठीक है गाइस ड्राइवर ना भाई बोल रहा है कि यार ये हेलीकॉप्टर का क्या करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी ड्राइवर भी लगा पड़ा इन हेलीकॉप्टर के ऊपर मतलब
फायर कभी फायर करने यार, ये हेलीकॉप्टर वाले ना सही में कुछ ज्यादा दुखी कर रहे हैं यहाँ पे। गाड़ियों वाले तो आ नहीं सकते, बट ये हेलीकॉप्टर वाले ना भाई गलत ही स्कैम कर रहे हैं भाई अपने साथ। रुको रुको, पहले ना भाई इनके जितने भी बंदे हैं ना उनको खत्म करते हैं, बीच के ना सारे बंदों को खत्म करते हैं ना, फिर तो ठीक है भाई। ये स्वैड सोल्जर भी आ रहे हैं, रुक 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 तेरी पैस की। ओके ओके गाइस, यहाँ पे भी ना काफी सारे बंदे आ रहे हैं, पहले ना इनको फटाफट से ना हम खत्म कर लें, देन मतलब ये यहाँ पे हम छुपते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ना भाई यहाँ से फिर निकलते हैं भाई। हमें लिबर्टी सिटी भी जाना है यार, मुझे ना सही में गुस्सा आ रहा है कि हम लिबर्टी सिटी नहीं जा पा रहे भाई 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 भाई, 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 रुको, रुको। भाई जल्दी जल्दी स्टिकी बम निकाल, एक सेकंड, यहाँ पे ये गया, एक ये गया तेरी पैस की डंग भाई, ये आते ही बंद नहीं हो रहे यार। रुको यार गाइस, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वेट, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई ये गाइस? ये हमें रोकने के लिए आंसू गैस के भाई, आंसू गैस के बॉम्ब छोड़ रहे हैं ताकि हमारे आंखों में पानी आ जाए और हम यहाँ पे गिर जाएं। वेट 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 वेट, बट हम भाई ऐसा होने नहीं देंगे अपने आप को। भाई ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, तेरी पैस की डंग, निकल यहाँ से, और तू भी निकल बेटे, जो भी आ रहे हैं ना वो निकलो पहले। एक सेकंड, ये यहाँ पे भी आ रहे हैं काफी सारे। रुको 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 गाइस, ये हमारे लिए प्लेस सेफ नहीं है भाई। ड्राइवर जल्दी जल्दी बैठ यार भाई, हम यहाँ से निकलते हैं भाई, ये प्लेस अपने लिए सेफ नहीं है भाई। वेट, पीछे हट जाओ, तुम्हारी पैस की टांग भाई, बड़ी मुश्किल से ना भाई को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं भाई। ड्राइवर भी पूरा आ चुका है भाई, ड्राइवर कह रहा है यार ये क्या हो रहा है भाई। रुको यार, वो भाई गलत ही स्टंट मार दिया मैंने, बाकी चलो ठीक है भाई। अभी एक काम करते हैं भाई, हमें ना यहाँ से ना थोड़ा छुपने उपने वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई, थोड़ी देर के लिए हम छुप जाए ना, उसके बाद तो भाई फिर हम आराम से लिबर्टी सिटी के लिए निकल सकते हैं। एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे ना कोई जगह देखते हैं एंड वहाँ पे छुपते हैं थोड़ी देर के लिए। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ना जो पुलिस है वो हट चुकी है, बट यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है, और भाई मुझे अभी जल्दी से ना ये प्राइवेट जेट को लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, और सीधा हम निकलेंगे भाई यहाँ से, सीधा लिबर्टी सिटी के लिए निकलना है, उससे पहले रुकना ही नहीं है भाई हमें। तो चलो यार गाइज, अभी मैं अपनी बाइक भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के लिए। फाइनली गाइज, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ना, पुलिस वालों से बचने के बाद, हम पहुंचने वाले हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और बाप, अभी भाई अभी कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी सीधा जाना है एंड केविन वेस्टन के वहां पे जाके हमें बस प्लेन उठाना है एंड उसके बाद निकल जाना है बस। चलो ठीक है गाइज, एक सेकेंड, अभी ये तो मेन गेट है भाई, मैं नीचे से ही आ जाता यार, मैंने क्या कर दिया भाई? इधर तो पुलिस वाले खड़े हैं। एक सेकेंड रुकियो जरा, एक सेकेंड मैं अपने बाइनोक्लियर्स निकालूं। भाई यार इधर तो पुलिस वाले खड़े हैं और ये चेकिंग करके ही अंदर जाने देंगे यार, अब क्या करूं भाई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये गेट नहीं तो भाई अपन दूसरे गेट पे चलते हैं, मतलब एयरपोर्ट पे भाई दो ही गेट है तो हम दूसरे गेट से भी जा सकते हैं, यहाँ से हम नीचे चलते हैं भाई। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे भी काफी सारी पुलिस खड़ी है एंड यहाँ पे तो भाई गन्स वंस लेके बहुत सारी पुलिस खड़ी है। अबे यार अब मैं कैसे जाऊंगा भाई? यार गाइस मेरे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये पुलिस वाले एयरपोर्ट के बाहर क्यों खड़े हैं भाई? अब मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी, एयरपोर्ट के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। रुको यार, रुको गाइस यार, ये भी तो एक जगह है, बट भाई इसका जो डोर है ना, मेन जो डोर वो नीचे है, शायद इसके भी पुलिस खड़ी हो सकती है भाई। तो अगर मैं यहाँ से जंप करके जाऊँ तो भाई ये बैनी का जो मतलब मुझे चोट भी लग जाएगी। हाँ ये भी है कि पुलिस वाले भाई, वो देखो सिक्योरिटी गार्ड तो खड़ा ही है, पुलिस भी नीचे खड़ी होगी, तो अगर मैं यहाँ से जाने के भी ट्राई करूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा, ऊपर से जंप मारूंगा ऐसी हड्डी पसली टूट जाएगी। अभी हमें ना कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा, अगर मैं इसके नीचे से जाऊँ तो, बट इसके नीचे से जाके भी भाई मुझे नहीं लग रहा कि मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर पाऊँगा, क्योंकि भाई सिक्योर, अबे भाई पुलिस वाला खड़ा है भाई, क्या कर दिया मैंने हमें, ड्राइवर क्या कर दिया मैंने? रुको 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 भाई, इसको ना पता ना चले, रुको रुको, इसका ध्यान तो नहीं है भाई मेरी तरफ, पुलिस वाला आराम से खड़ा और मैं इतने आराम से नीचे आ रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ यार? ये पुलिस वाले ने भाई सच्ची में दिमाग खराब कर दिया, अभी मुझे लिबर्टी सिटी जाना है और ये पुलिस वाले अलग ही लेवल का दिमाग खराब कर रहे हैं, क्या करूँ यार? इधर से भी बस कुछ कर नहीं सकता एंड भाई उधर से भी कुछ नहीं कर सकता, और तीन ही मेन गेट है, तीनों गेटों पे ही भाई पुलिस पूरा पहरा लगा के खड़ी है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेट, एक इधर को भी तो रास्ता जा रहा है भाई, चल 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 भाई, बिल्कुल सही तरीके से हमने नीचे अपनी बाइक को नीचे जंप करवा दिया और अभी हम यहाँ से तो अंदर जा ही सकते हैं। एक सेकेंड, नहीं, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, ये साइड से एक रास्ता बना हुआ है भाई, एक बार जाके देखते हैं, क्योंकि भाई देखो इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा और पुलिस वाले हर जगह पे खड़े हैं। रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, इधर से रास्ता जाता होगा तो भाई, एक सेकेंड, आई थिंक इधर से रास्ता जा सकता है, बट
भाई फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं है। अभी मुझे डेविन वेसल के हैंगर पे जाना है और वहां से हमें अपना प्राइवेट प्लेन उठाना है। डेविन वेसल का हैंगर शायद वही है भाई शायद रुको नहीं, ये तो कोई पेगस करके बंदे का है भाई। डेविन वेसल का कौन सा वाला है यार? नहीं भाई ये तो नहीं है, आई थिंक वो डेविन वेसल का है। सामने डेविन वेसल लिखा हुआ भाई साहब, ये रहा डेविन वेसल का हैंगर। अब तो ना गाइस हम बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएंगे एंड भाई हम लिबर्टी सिटी जाके मजे ही आने वाले। एक सेकेंड ट्रेवर तू भाई रुक, मुझे ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ लोग खड़े हैं, रुकिए जरा एक सेकेंड। पुलिस भाई नहीं यार, डेविन वेस्टन के पैंस की टांग, डेविन वेस्टन के हैंगर में पुलिस क्यों खड़ी है यार गाइस अब मैं क्या करूं भाई यार, डेविन वेस्टन के यहाँ पे पुलिस खड़ी है। मैं डेविन वेस्टन को बोलूंगा ना भाई पुलिस खड़ी है उसको साइड कर, तो वो मुझसे 100 सवाल पूछेगा भाई पुलिस को साइड क्यों करना है, क्या दिक्कत है, क्या ऐसे उल्टा सीधा काम करने वाला है भाई, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बट एक सेकेंड। अब मुझे भाई आइडिया आ चुका है मुझे क्या करना है, रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ना मुझे भाई बैनी बार बार कॉल कर रहा है, बैनी बोल रहा है भाई इसका कस्टमर आने वाला है प्लीज तू बाइक दे दे। रुको यार मैं बैनी को अभी ना कॉल कर लेता हूँ एंड उसको ना भाई ये बाइक दे देता हूँ, बेचारा भाई बहुत ज्यादा तंग हो रहा होगा यार। चलो ठीक है गाइस, मैंने जो है ना भाई बैनी को कॉल तो कर दिया, बेचारा ना भाई सुबह से कॉल वॉल कर रहा है कि मेरे भाई कस्टमर आने वाला है। मैंने कहा चल भाई ठीक है यार तू आ जा। ओके एक सेकेंड, ये बैनी आ रहा है या कोई और आ रहा है? जैसे आ रहा है ना ये तो बैनी ही लग रहा है। और ये देखो अबे ओ भाई दुश्मनी लेने के लिए ना जा, तेरी पैस की बाहर आई हो, बाहर आ तेरी पैस की, अबे दुश्मनी लेने के लिए मार रहा है भाई साहब। बंदे ने यहाँ पे टक्कर मारनी थी मेरे, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, बैनी लेके निकल इसको फटाफट से। चलो ठीक है गाइस यार अभी बैनी बैठ चुका है बाइक पे, बाकी मैंने इसको भाई जाने के लिए बोल दिया, बाकी चलो ठीक है बैनी अभी जा रहा है अभी यहाँ से अपना, बाकी चलो ठीक है हम तो भाई बिल्कुल ठीक है। भाई बंदा आया यहाँ पे क्या ही ड्रिफ्ट मारी बंदे ने मुझे गिरा देना था। चलो ठीक है अभी हम इस सब चीजों को छोड़ते हैं, अभी हम फोकस करते हैं अपने प्लेन को चुराने तक का। अभी गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई ये जो हैंगर है ना इसके अंदर जाने के लिए ना कुछ सीक्रेट दरवाजे बने हुए हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ शायद पुलिस वालों को नहीं पता होगा, अगर पता भी होगा ना तो अब तो मेरे पास गन है मैं छोड़ने नहीं वाला, बात सीधी सी खत्म यहीं पे होती है। रुको भाई यहाँ पे कोई दरवाजा ये तो खुले नहीं है, तो एक सेकेंड ये दरवाजा खुला है, आ जा भाई ड्राइवर अब तेरे को मैं लेके चलता हूँ अंदर की साइड। भाई एक सेकेंड अब ये दरवाजा खुला है, नहीं ये दरवाजा नहीं तो ये तो खुला ही होगा भैंस की टांग। ठीक है चलो गाइस ठीक है ड्राइवर भी आ चुका है, अभी बड़े ध्यान से ना बड़े आराम से हम अंदर की तरफ चलते हैं। भाई आ जा ड्राइवर फटाफट से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी हमें कोई बस एक बार ना दिखे ना बस गाइस हम आ चुके हैं डेविन वेस्टन के हैंगर के अंदर। एक बार मैं अगर प्राइवेट जेट के अंदर बैठ गया ना उसके बाद मुझे पुलिस वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद तो भाई मैं ये पुलिस वालों को अलग ही लेवल का मजा चखाऊंगा भाई, देखना एकदम से गंदी ही टक्कर मार के निकलूंगा इनको एंड भाई देखते हैं। रुको अभी ना भाई बड़े ध्यान से जाना है मुझे। ओके वेट अंदर की तरफ ना भाई अभी कोई बंदा नहीं है, चलो ठीक है। ओ भाई यहाँ पे कोई बंदा नहीं और यहाँ पे खड़े हैं काफ़ी सारे, एक सेकेंड सामने भाई कुछ लोग खड़े हैं। रुको मुझे ना ऐसा बिहेव करना है कि उनको ऐसा फील हो कि हम यहाँ के वर्कर्स हैं, तो वो उल्टा सीधा ना सोचे। रुको सामने मेरे जेट है, एक उधर जेट खड़ा है एक इधर जेट खड़ा है, चलो ठीक है हाँ भाई ठीक है अंगड़ाई ले कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई ड्राइवर फटाफट से इस प्लेन के अंदर बैठ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बारी के लिए तो ये सारे सोचेंगे कि भाई हाँ चेकिंग करने वाला कोई बंदा होगा। चल भाई फटाफट से बैठ भाई ड्राइवर फटाफट से आ यार इधर। चलो गाइस ठीक है ड्राइवर भी बैठ चुका है, अब जो है ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रुको भाई अब ना मुझे यहाँ पे कुछ हल्ला बचा के जाना पड़ेगा, तुम्हारी पैस की निकलो यहाँ से भाई। रुको भाई नहीं भाई एक सेकंड इन्होंने तो भाई गोलियां चलानी शुरू कर दी। बड़े ध्यान से बड़े आराम से हम जो है ना भाई प्लेन को लेके आ चुके हैं भाई, बड़े ध्यान से हमें जाना पड़ेगा। ये देखो भाई यहाँ पे गाइस आप लोग को कोई भी फ्लाइट जाती हुई नहीं दिख रही क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा फॉग एंड स्नो पड़ रही है ना, क्या ही बोलूँ आप लोग को, पूरा ही भाई देख रहे हो ना भाई क्या ही सीन हो रखा है। चलो ठीक है भाई कितनी ज़्यादा फॉग आ रही है, बाकी रुको यार एक मिनट इसके ना मैं टायर रुको भाई मैंने इसके पहले टायर अंदर को कर लेता हूँ ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ही ना हो। चलो भाई अब तो बड़े आराम से हम आ चुके हैं और ये जेट को ना बड़ी तेजी से हम चला के लेके जाने वाले हैं लिबर्टी सिटी में। अभी ना लिबर्टी सिटी में भाई देखते हैं वो गाड़ी मिल तो जाएगी बट हम लेके कैसे आएंगे वो सबसे बड़ी बात है। चलो ठीक है भाई पहले पहुंचते हैं फिर सोचते हैं उसके बारे में भी। तो चलो यार गाइस निकलते सीधा लिबर्टी सिटी के लिए।
तो फटाफट से गाइस उनके नाम लेते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सबसे बढ़िया कमेंट्स करे थे। थर्ड नंबर पे मिस्टर डेविल वाईटी जिन्होंने थर्ड नंबर पे बढ़िया कमेंट करा था। सेकंड नंबर पे डीएम गेमर जिन्होंने सेकंड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। फर्स्ट नंबर पे रोमन रेंज किंग जिन्होंने फर्स्ट नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। तो गाइस आप लोग भी ऐसे कमेंट करते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला एक प्यारा सा शाउट आउट। फटाफट से जाओ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, सारे वीडियोस के अपडेट आप लोग को वहीं पे देखने को मिलेंगे। लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट एंड पिन शेयर में मिल जाएगा। ऑल राइट गाइज, यार हम जो है ना भाई अपने प्लेन को उड़ाते उड़ाते पहुंच चुके हैं फाइनली लिबर्टी सिटी के अंदर। और भाई साहब ये लिबर्टी सिटी देख रहे हो भाई, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है और भी ज्यादा ठंडा है। वो तो चलो बाहर जाके पता चलेगा। एक मिनट रुको यार, इसके जो व्हील्स है वो नीचे उतार लेता हूँ और मुझे ना बहुत सही तरीके से ना यहाँ पे लैंडिंग करवानी पड़ेगी। रुको रुको, ये रनवे पे बहुत सही तरीके से हम जो है वो लैंड करवा लेते अपने प्लेन को। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बहुत सही तरीके से हमने लैंड करवा लिया। रुको रुको, धीरे करो धीरे करो धीरे करो धीरे करो, बहुत ज्यादा स्पीड है भाई। रुको रुको रुको, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गाइस ठीक है, बहुत सही टाइम पे हमने अपने प्लेन को रोक लिया यहाँ पे। चलो गाइस ठीक है, फाइनली जो है हम लिबर्टी सिटी के अंदर आ चुके हैं। और बाकी चलो ठीक है भाई, अपना प्लेन यहीं पे रहना चाहिए, प्लेन यहाँ से नहीं जाना चाहिए कहीं भी। बाकी चलो ठीक है भाई, एक तो गाइस यहाँ पे मौसम उतना बुरा नहीं है भाई जितना ना लॉस सैंटोस के अंदर है, पूरी मतलब स्नो वनो पड़ रही है। बाकी यहाँ पे तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी के अभी बारिश हो जाएगी। बाकी चलो ठीक है भाई, ड्राइवर फटाफट से आ जा। और भाई हमें जो है ना अभी फटाफट से कोई गाड़ी, एक सामने गाड़ी तो पड़ी है भाई, उस गाड़ी को उठाते हैं एंड फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। देन उसके बाद ना भाई चलते हैं फिर कहीं और। रुको 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 एक सेकेंड, चलो गाइस ठीक है बैठो भाई गाड़ी। अबे यार गाड़ी तो लॉक पड़ी है, चाहूँ तो अभी मैं इसका शीशा तोड़ के चुरा सकता था बट नहीं यार। अब यार अभी अभी लिबर्टी सिटी आए हैं और अभी अभी ये काम नहीं करने हैं। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और देखते हैं। एक सेकंड, एक सामने भी गाड़ी पड़ी है। बाकी मुझे लग रहा है ना भाई ये गाड़ी ना अपने आराम से अपने काम आ जाएगी। बाकी चलो ठीक है भाई, सड़क भी आ चुकी है अगर ये गाड़ी, एक सेकंड भाई इस गाड़ी के पीछे ये गाड़ी देख रहे हो भाई, ये गाड़ी फोर्ड की गाड़ी लग रही है भाई। रुको 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 एक सेकंड, फोर्ड जीटी भाई साहब क्या ही मस्त लग रही है भाई। ड्राइवर कहाँ चला गया भाई, ड्राइवर फटाफट से आ एंड गाड़ी के अंदर बैठ गया। बाथरूम करने भाई गया था भाई, पागल है क्या तू, क्या कर रहा है बाथरूम बाथरूम करने, कहाँ जा रहा है तू, बैठ फटाफट से गाड़ी के अंदर। गाइस यार क्या ही मस्त कार है, बट पता नहीं भाई किसकी होगी क्योंकि भाई ये जो लिबर्टी सिटी है ना गाइस यार यहाँ पे ना मतलब ऐसी गाड़ी है ना भाई हर जगह ही आप लोग को मिल जाएगी पड़ी। बाकी चलो ठीक है भाई, हमें ना एक काम करना पड़ेगा, एक काम करते हैं। रुको रुको ये ना भाई हम ना पहले गाड़ी को बाहर निकालते हैं और ये गाड़ी को ना भाई हम कहीं भी चुरा के लेके नहीं जा सकते क्योंकि भाई लिबर्टी सिटी में ना जो गाड़ियों की मतलब भाई दिक्कत बड़ी हो जाएगी यार, क्योंकि एयरपोर्ट पे आएंगे ना वो बोलेंगे भाई कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी, क्या प्रूफ है तुमने ये गाड़ी खरीदी है, ये वो भाई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है और मुझे इतने पंगों में फंसना नहीं है। रुको रुको गाड़ी तो क्या ही भाग रही है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ गाड़ी एक नंबर है यार, सही में भाई गाड़ी तो एक नंबर भाग रही है। बाकी चलो ठीक है, लिबर्टी सिटी की सड़कों में ना गाड़ी भगाने का अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। देख रहे हो भाई क्या ही गाड़ी भाग रही है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, भाई बंदा बचा, गिरा तो नहीं, नहीं नहीं भाई बंदा बच गया यार। चलो ठीक है गाड़ी तो भाई एक नंबर मिली है। बाकी चलो ठीक है, हमें ना गाइस अभी बिग माफिया को कॉल करना पड़ेगा एंड बिग माफिया से पूछना पड़ेगा भाई कौन सी जगह है, कहाँ हमें जाना है, क्योंकि भाई हम ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर में जब हम गाड़ी लेके वापस जाएंगे तो रात हो जाएगी और अपने पास सिर्फ कल कल तक का टाइम है। कल तक हम अगर गाड़ी उसको फोटो भेज देंगे तो वो पैसे वैसे जो है ना वो हमारे अकाउंट में डाल देगा या फिर हमें खुद उसके पास पैसे लेने जाना है, वो क्या सीन है वो हमें वो ही बताएगा। बाकी चलो ठीक है, गाड़ी तो भाई एक नंबर है। वेट 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 भाई गाड़ी की मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी गाड़ी, भाई बुरा मान गई यार। चलो ठीक है अभी इतनी तारीफ नहीं करनी, फटाफट से निकलते हैं और पहले रुको रुको पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा बिग माफिया को। एंड भाई यहाँ पे सीन देख रहे हो भाई कितना ही मस्त हो रखा है, कितना बढ़िया यहाँ पे क्या ही व्यू है भाई। चलो ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ी को ना मस्त तरीके से साइड पे खड़ा करते हैं एंड कॉल लगाते हैं बिग माफिया को। यार गाइस कब से मैं भाई इस बंदे को कॉल पे कॉल करने पे लगा पड़ा हूँ, ये बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। अभी ये कॉल उठा ले उसके बाद भाई देखते कौन सी गाड़ी है जिसके ऊपर ये इतना पैसा खर्चने को रेडी है। बट यार गाड़ी तो हमें मिल जाएगी बट हम गाड़ी लेके कैसे जाएंगे। अब ये बंदा कॉल कब उठाएगा भाई, कब कॉल उठाएगा एंड कब मैं इसके पास जाऊंगा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, ड्राइवर भाई लड़ियो मत यार किसी से भी भाई। चलो ठीक है एक सेकंड, कॉल उठा लिया, चलो गाइस इससे मैं बात करता हूँ। चलो गाइस ठीक है यार मेरी जो है ना भाई बिग माफिया से बात हो चुकी है। एक सेकंड, अबे भाई ये क्या हो रहा है, फेट तेरी पैस की जान, क्या कर रहे हो भाई, क्या भाई हमने तो किसी को कुछ कर... एक सेकंड ये मोटा भाई हमारी वीडियो बना रहा है भाई, पुलिस को बताएगा। एक सेकंड, तेरी पैस की टांग मोटे,
वीडियो बनाएगा तेरी ऐसी जैसी निकल। एक सेकंड भाई, ट्रेवर क्या कर रहा है भाई? तू ट्रेवर भाई, तू पागल हो चुका भाई। ये ट्रेवर ना सच्ची में कुछ, या तो खाना पीना बंद कर दे भाई। इसने मेरी टोपी उतार दी, बाकी चलो ठीक है टोपी उतार ही दी है तो कोई बात नहीं, पर कि इतनी ठंड भी नहीं है यहाँ पे भाई। ये ड्राइवर क्या भाई, ड्राइवर तू कुछ खाता पीता नहीं है, क्या हो गया तेरे को भाई? किसी टाइम पे लोग तेरे को मानते थे भाई, तू कितना तगड़ा फाइटर हुआ करता था। ये मोटो के चक्कर में भाई तू क्या कर रहा है भाई? तूने अभी अपनी टोपी गिरा दी, मैंने भी। चलो यार गाइस, फटाफट से टोपी पहन ही लेते हैं। मैं तो चलो फिर भी ठीक लग रहा हूँ, बट भाई ड्राइवर तू टोपी पहन ले यार। चलो गाइस ठीक है भाई, ड्राइवर ने अपनी टोपी और चश्मा पहन लिया है। मैं तो भाई ऐसे ही घूमने वाला हूँ, क्योंकि भाई अपने को ना भाई जचता नहीं है यार, इतनी ठंड पड़ नहीं रही है। ड्राइवर थोड़ा बुढ़ा हो चुका है ना, तो भाई ड्राइवर का ठीक है। एक सेकंड, मैंने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी? हाँ भाई, इन मोटो का चक्कर में। ओ ऊपर है भाई, ऊपर है। बाकी चलो ठीक है गाइस, अभी मेरी बिग माफिया से बात हो चुकी है, एंड बिग माफिया बोल रहा है भाई मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में लोकेशन जो है वो तुम्हारे फोन पे सेंड कर रहा हूँ, एंड फोन पे सेंड होते ही भाई तुम जो है ना उस जगह के लिए निकल जाना। बाकी चलो ठीक है भाई, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, जब वो हमें लोकेशन सेंड कर देगा उस टाइम पे हम निकल जाएंगे, एंड उसके लिए जो गाड़ी है उसको देखने चलेंगे भाई, जो $100 million लगा रहा है भाई गाड़ी के ऊपर। भाई सच्ची में ये कितना पैसा होना चाहिए भाई जिंदगी में, कुछ भी लेने जाओ भाई, क्या ही कबाड़ गाड़ी होगी भाई जिसके ऊपर इतना पैसा लगा रहा है भाई, जब उसने खुद बोला है कि कबाड़ में खड़ी होगी गाड़ी। मैं तो भैया खुद हैरान हूँ यार भाई, क्या ही बंदा है। बाकी चलो ठीक है भाई, गाड़ी तो यार मुझे सही में गाड़ी से प्यार हो गया। अगर मैं ये गाड़ी लेके जाना चाहता ना भाई, भैया सच्ची में अगर अपना बस बनता ना तो ये मैं गाड़ी आराम से लेके जाता यार। गाड़ी ना भाई मुझे बहुत पसंद लगी। बाकी चलो ठीक है, गाड़ी लेके तो नहीं जा सकते भाई, जहाँ से ली है गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देंगे, नहीं तो भाई कहीं भी खड़ी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बंदा जिसकी गाड़ी होगी वो अपने आप पुलिस के थ्रू ढूंढवा लेगा, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है यार, अभी उधर की बात नहीं करते, जब तक भाई उसका मैसेज आता है, जब तक भाई बिग माफे का मैसेज आता है या फिर लोकेशन आते हैं, तब तक भाई घूमते हैं इधर उधर और क्या भाई देखते हैं। बाकी भाई शाम जो है ना वो देख रहे हो भाई, पूरी रात होने वाली है, एंड टाइम देख लो भाई क्या ही हो रखा है भाई। इधर बादल बहुत ज़्यादा ना, तो भाई सन की जो है ना सन की रोशनी इधर आ ही रही है, बाकी रात भी होने वाली है यार। जो भी काम है ना हमें जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। चलो यार ठीक है, फटाफट से निकलते हैं इधर से, पहले बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। वेल गाइज, अभी मैं ना आप लोगों को भाई लेके जाने वाला हूँ अपने सबसे प्यारे फ्रेंड के शोरूम में, और कई लोग तो भाई समझ ही चुके होंगे, जो नहीं समझे उनको बता देता हूँ, अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड लिबर्टी फ्रेंड के पास हम जा रहे हैं, उसके खुद के शोरूम में देखने के लिए कि भाई वो यहाँ पे है कि नहीं। अब इतनी दूर हम लिबर्टी सिटी आए हैं तो भाई वो मिलना हमें मतलब मिलने तो आएगा ही आएगा ना बंदा। ये है भाई अपने सबसे प्यारे फ्रेंड लिबर्टी फ्रेंड का खुद का ग्रोटी फरारी शोरूम। चलो ठीक है भैया, गाड़ी लगाते हैं अपन इधर, क्योंकि भाई लिबर्टी सिटी में ना पार्किंग का बहुत ज्यादा इशू है। बाकी चलो ठीक है, अभी लिबर्टी फ्रेंड से मिल के आते हैं, एंड भाई साहब उससे मिलते हैं और बाकी देखते हैं भाई। काफी ज्यादा टाइम बाद ना हमें उसे मिलने जा रहा है, जैसे हम काफी टाइम बाद डेविन वेस्टन को मिलने गए थे ना, वैसे ही हम काफी टाइम बाद ना भाई आज लिबर्टी फ्रेंड से मिलने आया। बाकी चलो ठीक है यार, एक सेकेंड, ये एक लेडी बैठी है, एक बंदा बैठा है, इससे बात करते हैं। वेल गाइज, अपने साथ हो चुका है एक प्रॉब्लम, और ये कह रहे हैं कि ये शोरूम के ओनर जो है वो सर गए हुए हैं थोड़ा बाहर, और मतलब थोड़ा बाहर नहीं गए हुए, कार शोकेस में गए हुए हैं भाई साहब, कार शोकेस में गए हुए हैं ना। मैं एक काम करता हूँ भाई, इससे ना उनकी लोकेशन मांगता हूँ, एंड हम जो है ना भाई वहीं पे चलेंगे फिर। वेल गाइज, इसने मुझे लोकेशन तो भाई साहब भेज दी है, बाकी चलो ठीक है भाई, आप लोगों ने एक बार शोरूम एक्सप्लोर करवा देता हूँ भाई साहब। शोरूम में देखो भाई, एक सेकेंड, ये क्या ही बाइक है यार, ये BMW की बाइक है भाई, क्या ही बाइक है यार ये भाई साहब, क्या ही मस्त लग रही है, मतलब बुलेट टाइप की फीलिंग आ रही है भाई। भाई साहब बाइक तो एक नंबर है यार, और ये कौन सी बाइक है, ये डुकाटी भाई कौन सी बाइक है यार, ये नहीं पता। एक सेकेंड भाई, ये भी बाइक कितनी ज्यादा ऑसम है भाई साहब, ओ भाई स्टंट मारने का ना अलग ही लेवल का मजा आएगा भाई। लिबर्टी सिटी में ना ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। बाकी यार ये है मस्टैंग GT फरारी FXK, एंड ये भी फरारी FXK, और ये है जेस्को, और पीछे खड़ी है फरारी की, ये सारी फरारी की कार, बट ये भाई रेसिंग कार है। बाकी चलो ठीक है, ऊपर का फ्लोर भी अपन पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं भाई। ये खड़ी है रॉल्स रॉयस घोस्ट भाई, सब क्या ही मस्त भाई मस्त गाड़ी है। चल भाई ड्राइवर आ जा फटाफट से, ऊपर भी एक बार नजर मार आते हैं यार। गाइस ऊपर भी इनके पास ना क्या ही मस्त मस्त कार्स है यार, ये है लिम्बोर्गिनी भाई। यहाँ पे ना आप लोगों को सुपर कार स्पोर्ट्स कार ना बहुत ही ज्यादा मतलब आसानी से मिल जाएगी, जैसे लॉस सेंटोस में ये कार्स बहुत ज्यादा रेयर होती है ना, कुछ गिने चुने लोगों के पास रहती है, यहाँ पे भाई आम इंसानों के पास ही ऐसी सुपर कार्स रहती है। देख रहे हो भाई कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे,
खरीदी करने, मतलब इसके बंदे के ना शोरूम में भीड़ ही लगी रहती है भाई। देख लो इधर, इधर भी कितने सारे लोग खड़े हैं और नीचे भी काफी सारे लोग खड़े हैं। बाकी चलो ठीक है, मुझे लोकेशन मिल चुकी है, अपन कार शोकेस में देखने के लिए चलते हैं। भाई कार शोकेस ना मुझे मैंने भाई बहुत सुने हैं, कार शोकेस बहुत होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार शोकेस होते हैं। आज लिटरली ना उस कार शोकेस को देखने के लिए चलते हैं। चलो भाई ठीक है यार, ये तो भाई एक नंबर शोरूम है। जब हम अपने शोरूम के लिए गाड़ी लेने आएंगे ना, जब 100 मिलियन डॉलर हमें मिलेगा, तब हम ना भैया यहाँ से ही गाड़ियाँ लेने आएंगे। बाकी चलो ठीक है भाई, आज का तो भाई मतलब बढ़िया ही है। बाकी चलो यार, जब तक बिग माफिया लोकेशन भेजता है तब तक भाई अपन जो है ना लिबर्टी फ्रेंड को मिलाते हैं। भाई काफी ज्यादा टाइम निकल गया भाई उस बंदे को मिले हुए, बहुत ज्यादा टाइम निकल गया। आज तो भाई उस बंदे को मिलना बनता है। चलो ठीक है भाई, अभी मुझे लोकेशन मिली है ना, वहाँ के लिए निकलते हैं एंड उसको मिल के आते हैं। भाई बंदा बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि भाई हमने आज तक ना उसके लिए बहुत सारे काम करे हैं। बंदा लिटरली अपने लिए बहुत ज्यादा खुश होगा। बाकी यार मुझे ना भाई, बाकी ना यार रात हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है कि भाई बिग माफिया बस अभी भेज दे लोकेशन तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भाई दिक्कत खड़ी हो जाएगी, रात में प्रॉब्लम हो जाएगी एंड फिर कल में भाई वो पैसे भी नहीं डालेगा। चलो ठीक है यार, क्या ही भाई अभी कर सकते हैं यार। ओके गाइस, यार मैं तो अपनी भाई गाड़ी भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ उसी लोकेशन पे। बाकी भाई रात देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा होने वाली है, मतलब अभी यार रात हो गई ना भाई, तो लॉस सैंटोस वापस जाना आज में दिक्कत खड़ी हो जाएगी भाई, लॉस सैंटोस जाएंगे कैसे यार। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी रात होने में थोड़ा टाइम तो बाकी है। बाकी जब तक वो लोकेशन भेजता है, जब तक हम एक काम मुझे जब तक हम अपने लिबर्टी फ्रेंड को मिल लेते हैं। बाकी लोकेशन कहाँ की दी थी यार, रुको यार। ठीक है चलो गाइज, यार भाई ये वाली जो है ना, ये वाली एक सेकंड भाई, ये वाली जगह है, यहाँ से हमें जाना है सीधा नीचे की तरफ और यहाँ की लोकेशन भेजी गई है। ओके गाइज, यार फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। भाई साहब ये अंदर इतना अंधेरा, और भाई अंदर आवाजें कितनी ज्यादा आ रही है गाड़ियों की, यार क्या चल रहा है अंदर। ठीक है गाइज, मैं अंदर तो हम दोनों आ चुके हैं, बाकी गाइज नीचे आके गाड़ी की चमक देख रहे हो, क्या ही लग रही है, मतलब रेड कलर की, क्या ही ये पट्टी वट्टी, क्या ही मस्त लग रही है। बाकी चलो ठीक है भाई, यहाँ पे ना पूरा कार शो चल रहा है, और मुझे एक सेकंड नीचे जाना है भाई, इधर से जाना होगा शायद, ये कहीं रास्ता, ओके ये बना हुआ है रास्ता, आराम से यहाँ से चलते हैं नीचे और गाड़ी ना बढ़िया तरीके से कहीं पे पार्क लगाते हैं, उसके बाद ना भाई देखते हैं लिबर्टी फ्रेंड को मिलने के लिए चलते हैं, देखते हैं भाई वो है तो है कहाँ। बाकी चलो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को ना एक काम करता हूँ भाई साहब, किधर लगाऊं यार गाड़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाड़ी मैं लगाऊं, एक काम करते हैं भाई। भाई साहब क्या ही मस्त देख रहे हो यार, यहाँ पे क्या ही चल रहा है। और एक सेकंड यार, मुझे ना गाड़ी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई लोग ना बेफालतू के डरेंगे एंड भाई इनका बेचारों का कार शो खराब होगा और लिबर्टी फ्रेंड अपना गुस्सा हो जाएगा। बाकी चलो ठीक है भाई, हम दोनों तो यहाँ पे आ चुके हैं, आ जा भाई ड्राइवर तू भी घूम ले भाई इधर, मैं भी घूमता हूँ बड़े आराम से। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, और ये गाड़ी देखो भाई क्या ही मस्त बना रखी है इस लड़की ने, और भाई ये ऑडी की पता नहीं कौन सी गाड़ी है भाई, कार शो ना कितने मस्त लगते हैं ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बाकी भाई यहाँ पे कोई रेस वेस भी चल रही है, पीछे से आवाजें आ रही है भाई, ड्रिफ्टिंग चल रही है। चलो यार वो सब तो ठीक है, बाकी भाई पीछे ना बहुत ज्यादा तगड़ी रेसिंग चल रही है, और भाई साहब इधर इनके पास भी कितनी खतरनाक गाड़ी है यार। ये कार शो ना बहुत ज्यादा औसम होता है भाई, इनके लोगों के पास ना बहुत तगड़ी कार्स होती है, और पीछे जाके भी देखते एक बार, और भाई ये देख रहे हो भाई विंटेज कार। और पता है आप लोगों को, जब हमने भाई बिग माफिया की पार्टी पे जाना था ना, उस टाइम पे यही ऐसी कोई तगड़ी कार लेके गए थे हम, जो ब्लास्ट हो गई थी। और भाई ये देख लो भाई, लिबर्टी सिटी में ना आपको ऐसी कार्स ना हर जगह पे देखने को मिलेगी भाई। मुझे ना ये एक सेकंड, ये ना मैं कार से तो भाई दो मिनट देखता हूँ, और पीछे भाई ये देखो, पीछे कितनी खतरनाक रेस चल रही है, ये सुन रहे हो, ये देखो भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक सीन चल रहा है। और एक सेकंड भाई ये खड़ा लिबर्टी फ्रेंड, और इसकी चल रही है यहाँ पे फोटोशूट। चलो भैया करवा लो तुम फोटोशूट, उसके बाद इधर आओ यार। भाई बंदे की बातचीत देख रहे हो भाई, इतना ही पैसा होना चाहिए भाई लाइफ में, आप जहाँ पे भी जाओ ना भाई कैमरे आपके पीछे पीछे आए, क्या ही मस्त चीज है। और भाई अब जब तक वो फोटोशूट करवा रहा है, जब तक हम इधर का देखते हैं, भाई साहब क्या ही गाड़ियाँ यार सही में भाई, लिबर्टी सिटी में ना भाई आप लोग को घटिया कार्स मिलेंगी ही नहीं, सब बढ़िया से बढ़िया, एक से एक बढ़ के कार्स मिलेगी यार। भाई एक सेकेंड भाई, कार देख रहे हो, भैंस की टांग भाई क्या ही कार। एक सेकेंड ड्राइवर दो मिनट रुकियो भाई, दो मिनट साइड हुई हो भाई, इनके पास कार देखो भाई, ये पिंक कलर की एंड ये कार, क्या ही दोनों इतनी ज्यादा ऑसम लग रही है ना
मैं आप लोग को क्या ही बोलूं। चलो ठीक है भाई, और ये भी देखो भाई, कार्स ही कार्स है यार, यहाँ पे कार्स ही कार्स है। चलो ठीक है भाई, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से जाके लिबर्टी फ्रेंड से मिलते हैं, एंड उसके बाद भाई बिग माफिया का वेट भी तो करना है। और ये देखो भाई, इन्होंने ना यहाँ पे लॉक लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे देखो तो रेसिंग चल रही है पूरी। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे ना भाई, आप लोग को मतलब खतरनाक रेस जो है ना वो यहीं पे चलती है। आप लोग को आवाज़ें आ ही रही होगी, लोग यहाँ पे रेसिंग कर रहे हैं। ये देख लो भाई, पूरी ड्रिफ्टिंग कर रही है, बहुत बड़ा सारा ग्राउंड है भाई ये। चलो ठीक है भाई, इधर की बात नहीं करते, फटाफट से जाके अभी लिबर्टी फ्रेंड से मिलते हैं भैया। ऑल राइट गाइस, ये तो इधर ही आ रहा है भाई। ओ भाई साहब, बंदा क्या ही मिलने आया यार मेरे को भाई। ये होती है भाई दोस्ती, काफी टाइम बाद आए हैं, बंदा ऐसे मतलब हक वक करके मिल रहा है अपने आप अपनों को। चलो ठीक है भैया, अभी जाके ना इससे भी बात करते हैं एक बारी। ओके गाइस, मेरी जो है ना भाई लिबर्टी फ्रेंड से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है भाई तुम ना बहुत गलत टाइम पे यहाँ पे आए हो, अगर तुम पहले यहाँ पे आए होते ना मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता बहुत खतरनाक। कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, अगर बाद में कभी भी तुम्हारा यहाँ पे चक्कर लगाना तो तुम मुझे मिलने आना, मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा। और वो गिफ्ट ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बहुत महंगा गिफ्ट है, और बहुत लग्जरी, बहुत तगड़ा गिफ्ट है। और ये कह रहा है कि तुम जब भी आओ ना बाद में, मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये जितना भी कार शो है ना, ये इसी ने ऑर्गेनाइज करवाया, अभी तो और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लेके, ये वो एंड तक मतलब गाड़ियाँ भरने वाली है। अभी तो शुरू ही हुआ है, मतलब अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है, अभी तो आएंगे लोग, अभी तो न्यूज़ वाले, बहुत कुछ आने वाला है। तुम मेरे पास फिर कभी आना, मैं तुम्हें बहुत खतरनाक लग्जरी गिफ्ट दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। भाई साहब, अब ये बंदा मुझे क्या गिफ्ट देने वाला है मुझे नहीं पता। और भाई यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। चलो ठीक है भाई, आज तो हम अपने लिबर्टी फ्रेंड से मिल लिए, बंदा बहुत ज्यादा बिजी है, तो कोई बात नहीं यार, बंदे को अपना काम करने देते हैं यार, बंदा बिजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी चलो गाइस, ठीक है यार, अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी हमने कहाँ पे पार्क करी थी उसके पास चलते हैं, एंड अभी गाड़ी लेके सीधा अभी भाई बाहर निकलते हैं, क्योंकि भाई बंदा बिजी है तो उसको काम करने देते हैं, हमें किसी को भाई परेशान नहीं करना है यार। चलो गाइस ठीक है यार, अभी हमें किसी को तंग नहीं करना, फटाफट से आजा भाई ड्राइवर, ये खड़ी अपनी गाड़ी, फटाफट से लेके चलते हैं। और भाई बिग माफिया के वेट करते हैं भाई, उसको मैं दोबारा कॉल करने वाला हूँ। भैया यार बता यार जल्दी, गाड़ी भी देख लो भाई कितनी गंदी हो चुकी है। चल भाई ड्राइवर बैठ यार फटाफट से, और यहाँ से निकलते हैं यार। लिबर्टी सिटी भाई घूमने को तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छे अच्छे अपने दोस्त भी हैं, मतलब बहुत कुछ है यार लिबर्टी सिटी में। बट ये बंदा ना भाई यार बिजी कुछ ज्यादा, इससे बंदे ने ना कार शो ऑर्गेनाइज करवा रखा है, ये कह रहा है मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता यार। चलो यार अभी क्या ही बोल सकते हैं भाई, बंदे को बिजी है बंदा तो क्या ही कर सकते हैं यार। चलो निकलते हैं अभी सीधा फटाफट से बाहर। ओके गाइस यार, फाइनली हम जो है ना भाई बाहर आ चुके हैं, और बाकी चलो ठीक है भाई, नीचे तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक शो चल रहा था। और भाई बाकी आप लोग टाइम देख रहे हो भाई, सारा दिन यार यहाँ पे लिबर्टी सिटी में यही सब कुछ करते हुए निकल गया यार। भाई मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना बिग माफिया के ऊपर, बंदे ने अभी तक लोकेशन मुझे सेंड नहीं करी, और एक और दिक्कत खड़ी हो चुकी है। दिक्कत खड़ी ये हो चुकी है कि भाई अभी ड्राइवर मेरे को बोल रहा है कि मुझे भाई अभी लॉस सैंटोस वापस जाना है, क्योंकि भाई आप लोग को पता होगा काफी टाइम से वेट जो है ना वो हॉस्पिटल में था, एंड अभी अभी उसको कॉल आया है, अभी भाई ड्राइवर को कॉल आया कि वेट को आज के आज डिस्चार्ज करवा लो हॉस्पिटल से। तो भाई इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और ये मुझे कह रहा है प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पे छोड़ के आ, और मैं वहाँ पे जो प्राइवेट जेट पड़ा उसको लेके चला जाता हूँ मैं। चलो यार गाइज अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी बंदे को छोड़ के तो आना पड़ेगा, और ये रुकने वाला तो है नहीं भाई, ये पहले से कह रहा है कि यार आज वेट आने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी है। तो भाई ये कह रहा है प्लीज़ मुझे माइकल तुम छोड़ दो, कोई भी प्रॉब्लम होगी कॉल कर देना, मैं भाग के आ जाऊँगा भाई। चलो ठीक है गाइज अभी फटाफट से भाई चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है यार भाई, बंदे ने तो ना यार आज धोखा ही दे दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको भी अर्जेंट है, बाकी ये खड़ा अपना प्राइवेट जेट, मैंने इसको बोल दिया भाई डेविन वेस्टन के हैंगर पे खड़ा कर देना इसको आराम से जाके। चलो गाइज ठीक है यार, इसको उतारते हैं, अलविदा बोलते हैं फिर इसको। चलो यार गाइज ठीक है भाई, ड्राइवर तो अपना आराम से भाई यहाँ से जा रहा है, एंड भाई देख रहे हो भाई बंदा हमें अकेला छोड़ के जा रहा है, मतलब क्या ही बोलूं यार मैं इसको, अब कहाँ जा रहा है भाई। ओके ये इसमें बैठने के लिए जा रहा है भाई, बंदा हमें अकेला छोड़ के जा रहा है, और मैं आज की रात यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे बिग माफिया पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ यार, ये बंदा क्या है भाई, बंदे ने अभी तक मेरे को लोकेशन सेंड नहीं करी है, और भाई क्या ही उड़ा के भी ले गया यार ये बंदा, क्या ही स्पीड से उड़ा के लेके गया। चलो ठीक है भाई, अभी ड्राइवर तो अपना जा चुका है, और वो जा रहा है भाई सामने, मतलब चलो ठीक है भाई अभी गाड़ी में बैठते हैं फटाफट से। फाइनली गाइस, जो चीज का इंतजार था वो हो गया भाई, हमें जो है लोकेशन मिल चुकी है। ओ भाई इतनी खुशी,
इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई यार। भाई सुबह से हम लिबर्टी सिटी में घूम रहे हैं, अब जाके मेरे को फाइनली लोकेशन मिल चुकी है। बाकी चलो ठीक है, ये बिग माफिया ने अभी मुझे जाके व्हाट्सएप करा है भाई लोकेशन। चलो ठीक है भाई, अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं एंड उसी लोकेशन पे चलते हैं। देन उसके बाद भाई अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, गाड़ी देखेंगे एंड उसके बाद सीधा हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। बस हमें यहाँ से निकलने का ना कोई प्लान बनाना होगा गाइस। अभी आप लोग बताओ यार हम कैसे निकले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी यार, क्या ही मस्त गाड़ी है यार। छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा बट क्या करें भाई, छोड़नी तो पड़ेगी। चलो यार ठीक है यार, एक सेकंड भाई मैंने वेट मैंने गाड़ी क्या ठोकी, ये तो मारनी शुरू करके भाई बा इतना। अबे क्या हो गया, वेट इतनी पुलिस मेरे पीछे। भाई मुझे क्या लग रहा है ना, ये लॉस सैंटोस में जो हमने हरकत करी थी ना भाई, ये उसके चक्कर में पुलिस अपने पीछे लगी पड़ी है भाई। भाई ये गैंग का साथ देते देते पुलिस वाले इधर तक क्यों पहुंच गए भाई, लिबर्टी सिटी में तो मत करो यार। भाई गाइस गाड़ी का टायर गया, अबे यार गाड़ी का टायर ही गया, भैंस की टांग निकाल भाई, बड़ी मुश्किल से गाड़ी गई यार। अबे यार ये पुलिस वाले क्यों भाई पनौती गई के यार, निकल भाई यहाँ से। भाई साहब एक कितनी मस्त गाड़ी मिली थी उसका भी इन्होंने कचरा करके रख दिया भाई। मैं ये वो गाड़ी क्या करूँ यार, गाड़ी सामने खड़ी है, वेट तुम्हारी भैंस की टांग कर निकाल, तेरी ऐसी की तैसी निकल भाई। रुक 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 रुक, ये पुलिस वाले भाई स्वेट सोल्जर पुलिस वाले भाई, लिबर्टी सिटी में क्यों गंद डलवा रहे हो यार। हद तो हो गई भाई, मैंने इसको सच्ची में इनको कुछ भी नहीं कहा, बिना मतलब के आ रहे हैं। रुको रुको रुको, मुझे ना किसी की गाड़ी पे बैठना पड़ेगा। रुको रुको भाई, यार तुम लोगों की वजह से इतनी मस्त गाड़ी मेरे हाथों चली गई भाई, टायर ही निकाल के रख दिया भाई गाड़ी का। रुको यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अबे ये बाइक आ रही है, रुक रुक बाइक तेरी पैस की, बाइक छोड़ भाई, बाइक पे ही निकलना पड़ेगा। रुक 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 भाई ये तो बाइक ही बड़ी चल रही है। रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। अबे यार ये पुलिस वाले तुम्हारी पैस की जंग, जब भी कोई अच्छा काम करना होता है गंदी शक्ल लेके अपनी आ जाते हैं भाई, क्या ही करूं यार मैं। अबे यार ओ वेट, क्या नाका लगा के रखा हुआ था पुलिस वालों ने। रुको रुको गाइस, अभी यहाँ से मुझे भगना पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर दी है भाई पुलिस वालों ने भाई, बिना मतलब के अपने वो गाड़ी भी चली गई अपने हाथों से यार। कितनी मस्त गाड़ी थी, पूरा लिबर्टी सिटी उसी के कारण घूमे थे, मतलब उस पे बैठ के घूमे थे। एक मिनट में आए, गाड़ी का पहिया ही निकाल दिया भाई, गाड़ी का चक्का ही निकाल दिया। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये पुलिस वालों से बचूं तो बचूं कैसे, एक तो भाई बिग माफिया के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, इतने टाइम में जाके लोकेशन भेजी है बंदे ने, चलो भेज तो दिया भाई बंदे ने, चलो ठीक है। वेट यार भाई बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ से भागने का। गाइस मेरे को क्या लगता है ना भाई, ये एयरपोर्ट पे मेरा वेट ही कर रहे थे, कब माइकल एयरपोर्ट से आएगा एंड कब हम उसके पीछे लगेंगे भाई, वही चीज हो गई। और वेट 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 वेट, इन्होंने भाई मैं एयरपोर्ट पे गया, मैंने जैसे ही ड्राइवर को अलविदा बोला भाई ये मेरे पीछे लग गए, अब मैं कहाँ भागूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भाई साहब पुलिस पागलों की तरह अपने पीछे लगी पड़ी है। रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाइक भी ना इतनी बढ़िया नहीं है बट ये भाई बढ़िया बट इतना टाइम नहीं है। वेट, यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है भैया, शॉर्टकट वॉर्टकट लेके ही निकलना पड़ेगा। अबे यार रुको रुको रुको, नहीं भाई बचा। रुको भाई ये पुलिस वाला हेलीकॉप्टर मेरे पीछे लगा हुआ, पहले तो ना ये हेलीकॉप्टर की ऐसी तैसी करूँ। रुको रुको रुको, एक सेकंड, बड़े वाली गन ही निकाल पहले तो ये हेलीकॉप्टर, तेरी पैंस की टांग, पहले तो तू निकल, जब तक ये हेलीकॉप्टर पीछे रहेगा ना तब तक भाई इनको अपनी लोकेशन पता चलती रहेगी भाई। लिबर्टी सिटी में ना ये मुझे बैन करवाएंगे भाई पुलिस वाले, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वायलेशन जो कर रहा हूँ। बट कोई ना भाई, अब ये बचने नहीं वाले, तुम्हारी ऐसी तैसी, निकल भाई बाहर निकल, तेरी ऐसी तैसी। गाइस लिटरली ना ये पुलिस वाले अपने को छोड़ने नहीं वाले, मुझे ना भाई अभी कुछ खुद ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं भाई, ये पानी है ना भाई, पानी के अंदर चलते हैं ताकि भाई ये इनको लगे कि हाँ भाई माइकल मर गया, मतलब मर गया क्या होगा भाई, ऐसा कुछ सोच लेंगे या फिर कुछ भी भाई, कुछ ना कुछ या फिर भूल के निकल जाएंगे भाई। अभी पानी के अंदर जाना पड़ेगा, एक सेकंड, ये ना हेलीकॉप्टर वाला अपना कुछ ज्यादा ही पीछा कर रहा है। रुको रुको, एक काम करते हैं भाई, पहले मैं पानी के अंदर चलता हूँ। यार गाइस एक तो पानी इतना ठंडा है ना, ऊपर से ये पुलिस वाले पानी के अंदर गोलियां चला रहे हैं भाई। नहीं यार ये लिबर्टी सिटी की पुलिस है एंड ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली है। देखो भाई कैसे पागलों की तरह चला रहे हैं। रुको भाई ऊपर ये हेलीकॉप्टर पैंस की, अब तो भाई खतरनाक चीज होगी यहाँ पे। मैं सोच रहा था लिबर्टी सिटी में मुझे क्या क्यों दिक्कत करनी भाई, मुझे लिबर्टी सिटी में गंद नहीं मचाना, पर अब ये ना हटने ही नहीं वाले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो अपना हेडशॉट पे हेडशॉट तुम लोगों को मैं बजाता हूँ, तुम पैस की तुम्हारी। एक ना मेरे पास ग्रेनेड है, तो ग्रेनेड ना भाई एक तो ऊपर जाके काम भी नहीं करता, बट अगर मैं ऐसे बजाऊं शायद काम करे, बट नहीं यार भाई बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है भाई। लॉस सैंटोस में तो तुम लोग छोड़ते नहीं हो भाई, लिबर्टी सिटी में तो कम से कम बख्श दो यार, क्या सीन है भाई इनका यार।
गंद मचा के रखा हुआ है यार, बड़े वाली गन ही निकाल। एक तो भाई इनके हेलीकॉप्टर देखो यार, लॉस सेंटोस में होते तो अभी तक तो भाई इनके हेलीकॉप्टर में मिनटों में ब्लास्ट करके रख देता। अभी भाई पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, रुको रुको यहाँ पे एक और बाइक खड़ी है, फटाफट से इस बाइक के अंदर बैठते हैं यार। रुको अभी तो मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा भैया, अब तो ड्राइवर फैंस की टांग भाई, ये ड्राइवर गया इन चक्कर में भाई, पुलिस वाले अपने पीछे लग गए भाई, ये पक्का एयरपोर्ट पे मेरी ही वेट कर रहे थे भाई, मैं कब आऊँ एंड कब ये मेरे पीछे लगे भाई, लिबर्टी सिटी में भी नहीं छोड़ रहे यार मेरे को तो ये। चलो ठीक है भाई, अब मुझे पूरे फुल स्पीड से निकलना पड़ेगा। भाई क्या ही कट मारा मैंने, बहुत तरीके से निकल गया। और भाई ये बिग माफिया ने अभी मुझे लोकेशन भेज दिया, बिग माफिया कॉल भी कर रहा है। रुको यार अब क्या करूं मैं यार, हर जगह से फंसा पड़ा हूं यार। रुको 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 रुको, मुझे ना कुछ करना पड़ेगा भाई, पहले ना कहीं ना कोई खतरनाक जगह ढूंढनी पड़ेगी। हमें ये कहां फेंक दिया, हमें ये कौन सी जगह है भाई, वेट 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 वेट, ये कोई एक सेकंड, कोई खतरनाक सी जगह लग रही है भाई मुझे ये। एक काम करते हैं यहीं पे भाई छुपते हैं कहीं पे जाके, रुको रुको एक सेकंड, यहाँ पे भाई थोड़ी देर के लिए ना छुपते हैं अपन, शायद हो सकता है पुलिस यहाँ पे ना आए। ओके गाइज यार, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद पुलिस जो है वो यहाँ से जा चुकी है भाई। चलो यार हम लिटरली बच चुके हैं, बट अपनी गाड़ी का एक बलिदान देना पड़ गया यार। चलो यार ठीक है यार, अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी एक सेकंड भाई, सामने बैनी, अबे बैनी ओरिजिनल मोटरवर्क। एक सेकंड भाई, बैनी तो लॉस सेंटोस में, बट बैनी का एक सेकंड, ये भाई लॉक कर रखा है आई थिंक। अबे यार इसको खोलूं कैसे, एक सेकंड खुल गया भाई, लाते ही बजा रहा था और खुल गया। अबे ये भाई साहब, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे बैनी, मुझे लग रहा है बैनी की कॉपी तो नहीं भाई यहाँ पे कोई घूमता। अभी यहाँ पे तो भाई पूरा खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही है भाई गैराज, ये तो शुरू होते खत्म हो गया अपने बैनी के पास, तो भाई बहुत बड़ा गैराज है यार, ये तो कुछ भी नहीं था। बाकी चलो वेट, ये ओ वेट भाई, ये छोटा मतलब है तो मतलब बड़ा है भाई, वो छोटा तो नहीं है, ऊपर भी काफी कुछ है, मतलब बैठने बैठने को बना रखा है। एंड यहाँ पे वेटिंग एरिया, ऑफिस वगैरह, भाई बैनी से बात करूंगा यार मैं जाके। बैनी भाई तूने बराज खोल लिया क्या लिबर्टी सिटी में, भाई क्या ही बैनी यहाँ पे मजे वजे कर रहा है, मतलब यार लॉस सेंटोस में भी पैसा छाप रहा है और लिबर्टी सिटी में भी पैसा छाप रहा है। एक सेकंड गाड़ियाँ देख रहे हो भाई, एक से बढ़ के एक खड़ी है। एक सेकंड भाई, ये तो वही फोर्ड जीटी है, बट अपने वाली ग्रीन कलर की थी, ये सेम टू सेम पिंक कलर की है भाई, सेम टू सेम गाड़ी मिल गई हमें तो भाई साहब। गाइस लिटरली हमें सेम टू सेम गाड़ी मिल गई भाई, मान सकते हो आप, बस इसका कलर पिंक है, उसका येलो, बस उसका ग्रीन था भाई, ऐसी किस्मत यार क्या ही बोलूं भाई, हमें तो सेम टू सेम गाड़ी मिल गई। बट इसको चुरा के चलते हैं, ये खुलेगा दरवाज़ा आई थिंक, नहीं यार ये बंद बड़ा है दरवाज़ा, ये दरवाज़ा उधर का ही खुलेगा। चलो ठीक है भाई, भाई बहनी यार तू भाई मस्त है यार, तेरे चक्कर में हमें खतरनाक गाड़ी दोबारा से मिल गई है। वो गाड़ी तो यार उसको बलिदान देना पड़ गया, अबे यार उस गाड़ी को तो बलिदान ही देना पड़ गया। बाकी ये भाई बैनी का दूसरा गैराज, यहाँ पे बैनी जो है वो गाड़ियाँ सही करता है। चलो ठीक है भाई, हमें तो क्या ही लेना देना, बट जो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं वो तो हम ही ठीक करेंगे, ठीक है ना, उसको तो हम ही ठीक करेंगे, क्योंकि भाई पहले हमें उसको कबाड़ गाड़ी की ना उसको फोटोज भेजनी है, और उसको यही क्या पता वो देखने ही आ जाए भाई वो कबाड़ गाड़ी को। बाकी चलो गाइस ठीक है यार, अभी उधर की बातें नहीं करते, हमें लोकेशन मिल चुकी है, फटाफट से भाई चलते हैं उसी लोकेशन पे, देख के आते हैं कि कौन सी गाड़ी है जिसके पीछे इतना पागल हो रखा है बिग माफिया, और बिग माफिया का बेटा क्या ही पागल हो रखा है भाई उस गाड़ी के चक्कर में। चलो गाइस ठीक है, चलो गाइस ठीक है यार, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भाई अभी जो है ना न्यू ईयर भी आने वाला है, जो न्यू ईयर है वो हम लॉस सेंटोस में ही मनाएंगे ना भाई, तो इधर नहीं मनाना है भाई, लॉस इधर भी बहुत अच्छा होता होगा, बाकी मुझे पता नहीं है, लॉस सेंटोस में कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता होगा। चलो यार गाइस इधर उधर की बात नहीं करते, फटाफट से निकलते हैं बिग माफिया की दी गई लोकेशन पे। ओके गाइस यार फाइनली हम जो है ना भाई अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते भगाते उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं, बट मैंने एक गलती कर दी, मतलब मुझे ना भाई पुल टू पुल जाना था, और ऊपर वाला जो पुल है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, मैंने सोचा भाई गाड़ी ना खराब हो जाए अपनी, इसीलिए मैंने उस पुल से निकाली नहीं है। बाकी चलो ठीक है, अभी नीचे नीचे रास्ते से चलते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई रात देख रहे हो कितनी ज्यादा हो चुकी है, बट कोई बात नहीं यार, रात भी हो चुकी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ पूरी बढ़िया तरीके से चल रही है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार जो लोकेशन है ना, बस वो हम थोड़ी सी उसके करीब पहुंचने ही वाले हैं उसी लोकेशन पे। चलो यार गाइस ठीक है, हम पहुंच तो चुके हैं उसी लोकेशन पे, अभी मुझे एक सेकंड यहाँ पे ना ग्लोब ऑयल के पास, मुझे एक सेकंड पैसी टांग इसकी भाई, इसको जब पता है कि मुझे गाड़ी पीछे लेनी, बट गाड़ी अपनी वो कुछ नहीं, वो उसकी इतनी ज़्यादा डेंट पड़ गया
मैं कि चलो ठीक है, मुझे लोकेशन भाई साहब इधर की दी गई है, अब मुझे इधर गाड़ी कहाँ पे मिलेगी वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और उसने बोला था कि भाई बहुत बड़ा एक प्लॉट टाइप है एंड उसके अंदर, एक सेकंड ये लोकेशन है भाई, उसने बोला था कि बहुत बड़ा प्लॉट टाइप है और उधर ही कहीं गाड़ी बस ऐसे कबाड़ कूड़े में पड़ी होगी। अबे ये क्या भाई बंदा यार, कूड़े कबाड़ में गाड़ी ढूंढने जाऊंगा क्या? यही तो नहीं है भाई, यहाँ पे एक ट्रक तो पड़ा है कूड़े कबाड़ टाइप का, रुकियो जरा, यही तो नहीं है भाई? नहीं यार, चलो ठीक है भाई, मैंने बाकी अपने हाथ में ना टॉर्च ले ली है एंड ये तो नहीं है भाई वो गाड़ी एंड इतनी पुरानी टाइप की, ये तो ट्रक है भाई जो पूरा जंगल से पागल हो चुका है। बाकी भाई इधर कहीं ये इतना बड़ा जो प्लॉट है ना भाई, ये पूरा का पूरा बिग माफिया का ही है। और उसने बोला कि भाई यहीं पे पड़ी होगी, मुझे पता नहीं भाई बिग माफिया का है भी या नहीं, पता नहीं भाई उसने लोकेशन भेजने में इतना टाइम लगा दिया, या हो भी सकता है भाई कोई पता नहीं है। बाकी ऊपर तो भाई ऊपर तो क्यों ही होगी गाड़ी यार, मैं भी क्या ही सोच रहा हूँ, बाकी एक बार चेक कर ही लेते हैं भाई ऊपर जाके, कोई भरोसा भी नहीं है, ये बिग माफिया पागल ही। बट भाई ये चढ़ने लायक सीढ़ियाँ नहीं है यार, एक सेकेंड यार, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा अभी, गाड़ी कहाँ ढूंढूँ यार, रुको हम इधर से पहले आए थे, एक काम करते हैं थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं भाई, एक सेकेंड, एक गाड़ी, अबे नहीं यार, एक तो भाई अंधेरे के चक्कर में ना यार कुछ पता भी नहीं चल रहा, मतलब यहाँ से लेके एंड वहाँ तक उसका प्लॉट है ये पूरा, एंड भाई मुझे देखना पड़ेगा, पूरा कबाड़ पड़ा है यहाँ पे, कबाड़ ही कबाड़ पड़ा है और कुछ भी नहीं पड़ा, ये क्या है, टीवी वीवी पता नहीं भाई क्या ही चीज़ें पड़ी है यार। बाकी मुझे यार अभी गाड़ी ढूंढने तक का फोकस करना है, एक सेकेंड, गाड़ियों के टायर पड़े हैं यहाँ पे इतने सारे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी चलो इधर तो नहीं जाना हमें, हमें भाई अंदर की तरफ ही जाना है, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, जो अंदर देख पा रहे हो ना इधर तो भाई लाइट भी चल रही है, क्या पता इधर ही गाड़ी पड़ी हो, रुको रुको भाई ये क्या है भाई, मुझे लगा कि अच्छी सी जगह होगी बट ये क्या है भाई, छोड़ो यार इस पे तो क्या ही भाई, साफ ही पता चल रहा है इस पे तो कुछ भी नहीं है। चलो भाई एक काम करते हैं, इधर इधर थोड़ा पीछे की, एक सेकेंड ये गाड़ी बड़ी दिख रही है मुझे, एक सेकेंड रुकियो जरा, ओ वेट भाई कितना ऊंचा था यार, एक सेकेंड, एक मुझे वहाँ पे भी गाड़ी पड़ी दिखी है, एक सेकेंड, एक इधर भी भाई एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि हमें बस एक बार श्योर हो जाए कि अगर वो ना हुई तो हम भाई इधर ना आए भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई क्या ही कूड़ा कबाड़ भर रखा है भाई लिबर्टी सिटी में इसने, बिग माफिया ने, रुको 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 भाई ये पूरा घर हुआ करता था आई थिंक भाई, ये देख रहे हो कमरे वमरे क्या भाई तोड़ वोड़ के क्या बना रखा है बंदे ने यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइटें वाइटें हैं बट यहाँ पे, बट क्या बोलूँ यार मैं बंदे के बारे में, पता नहीं भाई घर है पता नहीं फैक्ट्री थी, हाँ आप लोग बताओ यार कमेंट करके आप लोग को क्या लगता है, बाकी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा खंडहर हो रखा है, एक बार ऊपर जाके चेक करूँ, अबे यार मैं भी क्या ही हूँ भाई, ऊपर जाके भी इधर तक ही है भाई, बाकी ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मुझे कन्फर्म हो गया कि अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और गाड़ी जो है ना वो यहाँ पे दो दो पड़ी है, एक सेकेंड, अबे इस गाड़ी के लिए मर रहा था क्या वो, एक मिनट मैंने इसकी फोटो खींच के भाई बिग माफिया को भेजता हूँ, अबे पागल हो चुका है कि इसके लिए मर रहा था क्या, रुको थोड़ा दूर हो गया ना फोटो, एक सेकंड, एक भाई यहाँ पे भी दरवाजा जा रहा है, अबे ये बना क्या रखा है बिग माफिया ने यार, ये पागल पागल हो चुका है क्या बंदे ने, पूरा खंडर बना रखा है कि क्या कर रखा है यार, रुको यार एक बार ऊपर जाके भी देख ही लेते हैं क्या पता ऊपर, बट मुझे नहीं लग रहा कि भाई वो इस गाड़ी के लिए मर रहा होगा इतना ज़्यादा, वो तो भाई सिंपल गैंग वाली कार से, वो तो अपने शोरूम में भी खड़ी है, बोलेगा तो वही लाके हम बनी बनाई उसको दे देंगे, बट वो नहीं है यार, वो तो मुझे नहीं लग रहा भाई वो वही कार होगी। चलो ठीक है, अभी ऊपर की तरफ तो मैं आ चुका और ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे कि मुझे पता था ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, बस मैं एक बार आके कन्फर्म कर रहा था, यहाँ पे एक डब्बा पड़ा है एंड यहाँ पे भी भाई सब कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे जंप गए, ओ भाई यार मैं कितना पागल हूँ यार, मुझे लगा था भाई छोटा सा ही होगा और कितनी लंबी जंप मारनी पड़ गई। चलो ठीक है यार, अपना माइकल मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है इसने यही गाड़ी मांगी होगी, इसकी फ़ोटो सेंड करता हूँ, रुको भाई इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज देता हूँ, क्या ही मस्त तरीके से फ्लैश वैश मार के एक ये फ़ोटो खींच ली। एक काम करते हैं भाई, इसकी भी फ़ोटो जो है ना वो मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि भाई मेरे को दिक्कत ना हो बस ये, ओके भाई इसकी भी फ़ोटो वोटो क्लिक कर ली। बाकी चलो ठीक है, अभी मैंने फ़ोटोज़ जो है ना वो भेज दिया बिग माफे को साथ ही में, और बाकी ये तो लॉक पड़ा है यहाँ पे, तो क्या ही होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी बिग माफे के रिप्लाई आने तक का वेट करते हैं। एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे हमने दो गाड़ी तो देख ली, उसकी फ़ोटोज़ हमने भेज दी है, एक बार फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, और यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। चलो उसको उससे बात करते हैं, मैं उसको कॉल ही कर लेता हूँ यार बंदे को। ऑलराइट गाइस, मेरी जो है ना भाई बिग माफे से बात हो चुकी है एंड वो कह रहा है कि भाई ये वो नहीं है गाड़ी।
क्या पागल हो रखा है यार, मैं भी पागल हूँ भाई, वो भी पागल है। मतलब मैं कब से सोच रहा हूँ ये गाड़ी, कह रहा यार तुम इतने पागल हो, कह रहा है कि इस गाड़ी के लिए कह रहा मैं कुछ करूंगा, ये तो कह रहा ये तो सिंपल गैंग कार है भाई, ये इसके लिए पागल थोड़ी ना होऊंगा। अब यार गाड़ी कहाँ ढूंढूं, वो कह रहा है कि जहाँ से प्लॉट शुरू होता है ना, तुम्हें शुरू शुरू में ही गाड़ी पड़ी मिलेगी। यार अभी प्लॉट के शुरुआत में गाड़ी, रुको फिर, प्लॉट की शुरुआत तो भाई इधर ही होती है, इधर कहीं देखते हैं भाई। मैंने पूरा इसका जितनी भी जमीन है पूरी भाई मैंने वो तो कर दी, एक्सप्लोर तो कर दी, बट मुझे मिली नहीं, बट गाड़ी तो यहाँ पड़ी है। आई थिंक भाई इसी गाड़ी की बात कर रहा होगा, क्योंकि ये गाड़ी है भी गैंग टाइप की और है भी पूरी कूड़ा करकट वाली। मैं इसकी फ़ोटो भेजता हूँ भाई बिग माफिया को। ऑल राइट गाइस, मेरी जो है ना बिग माफिया से बात हो चुकी है, मैंने फ़ोटो उसको सेंड कर दी थी, वो कह रहा भाई हाँ यही गाड़ी है वो। चलो इसके अंदर बैठ के इसको देखते हैं। स्टार तो क्या ही होगी, गाड़ी के टायर वायर तो पूरे ही चले गए हैं। इस गाड़ी के मुझे 100 मिलियन डॉलर फैस की टांग, ये पागल हो चुका है बिग माफिया यार। अबे इस गाड़ी में ऐसा क्या है जिसके 100 मिलियन डॉलर देने को तैयार है वो? भाई इसके बारे में तो बैनी ही कुछ बता सकता है, बट बैनी को कॉल करके देखूं या फिर नहीं। अब छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, कई लोग होते ही भाई पागल किस्म के, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो सही में पागल किस्म के ही लोग होते हैं। बैनी को जब ये गाड़ी देंगे तभी देखेंगे, बट इसकी एक बार काम करते हैं, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि स्टार्ट होगी, बट एक ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। चलो गाइज मैं इसको वेट, इसमें आग लगनी शुरू हो गई भाई भाई भाई, रुक रुक रुक, भाई मैं जैसे ही इसके अंदर बैठ के इसको स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, आग लगनी शुरू हो गई। मैं दोबारा देखूं, चलो गाइस स्टार्ट किया, ओ भाई फिर से आग लग रही है, पैस की टांग निकल बाहर। भाई जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, इसमें तो आग लग रही है और ये फट भी जाएगी। अगर ये एक बार फट गई ना गाड़ी, भाई बिग माफिया मेरे को फाड़ के रख देगा। अब ये नीचे क्या निकल रहा है, एक सेकंड रुकियो, कुछ निकल रहा है या फिर ये क्या है भाई? नहीं, अच्छा, तार टाइप का कुछ लगा, मुझे का कुछ निकल रहा है। नहीं भाई, इसमें बेचारे में है ही क्या होगा जो निकल रहा होगा? सीटें वेटे इसकी फट चुकी है भाई, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और पता नहीं भाई इस गाड़ी का क्या पीछे पड़ा हुआ है बंदा, आप लोग बताओ यार कमेंट करके भाई, इस गाड़ी में ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतना पीछे पड़ा हुआ है कि इसको 100 मिलियन डॉलर दे रहा भाई इस कबाड़ का। लिटरली यार पागल है क्या बिग माफिया? भाई आप लोग बताओ यार कमेंट करके, आप लोगों को क्या लगता है? और बाकी अब इस गाड़ी को हम सिर्फ एक ही तरीके से लेके जा सकते हैं, वो है टो ट्रक। यार गाइस टो ट्रक का इंतजाम तो हो जाएगा, बट इस गाड़ी को मैं लॉस सैंटोस कैसे लेके जाऊंगा? हमारे पास तो एक प्राइवेट जेट है वो जो के ट्रेवर लेके जा चुका है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। भाई मैं कैसे लेके जाऊंगा बिग माफिया को? मैंने कॉल करके बोला भी भाई कुछ इंतजाम कर दे, वो कह रहा मेरे पास इसका कोई जुगाड़ नहीं है। अभी बिग माफिया को कॉल करके ये पूछना पड़ेगा कि भाई मैं आज की रात कहाँ बिताऊँ, क्योंकि भाई देखो रात के बज चुके पूरे पूरे 10, ठीक है? अभी इतनी रात को कोई टो ट्रक वाला नहीं आएगा, सारे मैकेनिक्स जो है वो जा चुके होते हैं, कोई टो ट्रक वाला नहीं आएगा, हमें सुबह जाना होगा, कोई टो ट्रक वाला या कोई मैकेनिक का इंतजाम करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही हमारा कुछ जुगाड़ हो सकता है। उसके बाद हमें भाई ये गाड़ी को लेके जाने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, मैं बिग माफिया को कॉल करता हूँ एंड उससे पूछता हूँ भाई आज की रात मैं कहाँ बिताऊँ, सड़कों में थोड़ी ना बिताऊंगा। ओके गाइस, यार बिग माफिया ने पूरा अच्छा जुगाड़ कर दिया अपना। बिग माफिया बोल रहा है कि मैं तुम्हें 10 मिनट के अंदर अंदर एक होटल बुकिंग करके तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, आज की रात तुम वहीं पे गुजार लो और सुबह ये गाड़ी तुम वहाँ से लेके आ जाना, एंड मेरे से पैसे ले लेना जब तुम लॉस सैंटोस में पहुँच जाओ इस गाड़ी को लेके। अभी के लिए गाइस हमें ये गाड़ी यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई बिग माफिया ने खुद बोला है 5-10 साल से ये गाड़ी ऐसे ही खड़ी है। भाई जब 5-10 साल से किसी ने गाड़ी चुराई नहीं है तो भाई आज वो क्या ही चुराएगा, एक दिन में क्या ही चुराएगा। चलो यार अभी तो क्या ही डरना, बाकी चलो भाई जितना अभी तक हमने कर लिया है उतना और सही भाई, एक दिन का और। एक सेकेंड, इन्होंने तो नाका लगा के रखा हुआ है, एक सेकेंड इन्होंने यहाँ पे नाका लगा के रखा हुआ था एंड मेरे ऊपर फायर। भाई क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले लिटरली इतना पागल हो चुके हैं भाई, क्या चल रहा है ये? एक सेकेंड, नहीं भाई सामने बताओ, एक सेकेंड मुझे ना भाई कहीं पे छुपना पड़ेगा, रुको भाई। गाड़ी तो एक नंबर है जो बचा ली हमने, एक यहाँ पे क्लब है भाई, क्या क्या बोलते हो, इस क्लब के अंदर जाऊँ? क्लब के अंदर जाना तो चाहिए, बट यार ये पुलिस वाले, एक सेकंड मुझे ना इस बार ये गाड़ी गुवानी नहीं है भाई। पहली बार तो ये गाड़ी इन्होंने ना भाई टायर वायर निकाल दिया था। एक सेकंड भाई क्लब की एंट्री कहाँ है? पैस की टांग, रुको, वेट गाइस, क्लब की एंट्री इधर जाके है, एंड अभी ना मुझे एक काम करना होगा, पहले तो अंपर ना एक काम करते अंदर की तरफ चलते। भाई गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी, वेट अब निकालो गन इनकी ऐसी की तैसी। अब भाई तुम लोग को मैं छोड़ने नहीं वाला, पिछली बार तो तुम लोग बच गए थे ना, इस बार मैं छोड़ने नहीं वाला, एक मिनट रुको यार, फिर तो मुझे क्लब के अंदर जाने दो, उसके बाद ना ये क्लब के अंदर एक एक करके आएंगे, फिर इनको ना मैं एक एक करके मजा चखाने वाला हूँ। एक सेकंड, जैसे ये आ रहा है ना एक एक करके, रुको, नहीं, एक सेकंड, निकल
एंड तू भी निकल। चलो गाइस ठीक है, मैं आ चुका हूँ भाई क्लब के अंदर। और अभी ना भाई, वेट, यहाँ पे सारे लोग नीचे के छुपे बैठे हैं भाई, यहाँ पे सारे लोग नीचे के हो चुके हैं। अबे कुछ नहीं किसी को बोलता भाई, बस तुम पुलिस वालों को मत बताना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे। एक सेकंड, ऐसी निकल 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 चल निकल भाई, मेरे निशानों को क्या हो गया यार, ठंड के कारण ना निशाने भी नहीं लग रहे। आओ पुलिस वालों, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं करता हूँ, रुको। यहाँ पे तो बेचारे भाई लोग मेरे से डर के नीचे बैठ चुके हैं भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा यार, तुम लोग डरो मत मेरे से भाई। बेचारे नीचे ना क्या ही नीचे घुस चुके हैं। अब यार मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक बार ना ये पुलिस वाले मेरे से हट जाएं, देन उसके बाद मैं अपनी होटल बुकिंग जो करवा रखी है वहां पे चला जाऊंगा। रुको यार, सारे दरवाजे इन्होंने लॉक कर दिए भाई, बाहर कैसे निकलूं? वेट 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 वेट, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पे पुलिस वालों को ना बिल्कुल अंदर नहीं आने देना हमें। और रुको 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 यार भाई, इन्होंने मुझे लग रहा है ना सारे दरवाजे लॉक कर दिए। रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, वेट, चल निकल, एक सेकंड, चल निकल बेटे एक सेकंड। हाँ ये दरवाजा खुला है, बट ये बाहर का है भाई। नहीं 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 नहीं, गलती से बाहर आ गया। रुको रुको रुको, इस बंदे की ना मैं शॉर्ट गन उठाऊं, बट नहीं यार शॉर्ट गन से कोई फायदा नहीं है। रुको, बाहर ही जाना पड़ेगा भाई। वे यार ये बाहर तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा है यार, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको रुको, मुझे अंदर ही छुपना पड़ेगा भाई। एक काम करता हूँ, इन बंदों के अंदर ही भाई बंदे कहाँ भाग गए? अबे एक ही सेकंड में इतने सारे बंदे यहाँ पे खड़े थे, सब भाग गए मुझे लग रहा है पीछे के दरवाजे से। एक काम करते हैं, यहाँ पे छुपते हैं भाई। चलो गाइस ठीक है, मैं यहाँ पे छुपा हूँ, तुम्हारी ऐसी की जैसी। आओ 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 आओ, तुम्हारी अभी अभी मैं यहाँ पे छुप के इनको खत्म करूंगा। रुको रुको भाई, क्लब के अंदर भी हमने गंद डाल के रख दिया। बेचारे लोग यहाँ पे अपना न्यू ईयर की पार्टी मनाने आए होंगे, मतलब 31st पार्टी, आज तो 31st है, न्यू ईयर तो नहीं है, तो 31st की पार्टी मनाने आए होंगे। बेचारे को हमने डरा के भगा दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ग्रेनेड है ना अपने पास, चलो भाई निकल। अब तो यहाँ पे ग्रेनेड वेरनेड फेंकते हैं। चलो 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 चलो, अब बढ़िया है, सारे के सारे बंदे, सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पे मरेंगे, एंड हम भाई यहाँ से निकलेंगे और बड़े आराम से। गाइस ये पुलिस वाले ना भाई लिटरली मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। शॉटगन निकाल भाई, भाग भाग, फटाफट से बाहर की तरफ भागते हैं। चलो ठीक है गाइस, अब मेरे हाथ में शॉटगन है भाई, शॉटगन से ना मैं बच के निकल सकता हूँ यहाँ से, बैट की तरी निकल यहाँ से। भाई शॉटगन से ना मतलब ये छू भी नहीं पाएंगे अपने को। रुको रुको रुको, वेट भाई, एक सेकंड, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, क्यों दुखी कर रहे हो यार तुम लोग मेरे को भाई। एक तो ये हेलीकॉप्टर वाला ना कुछ ज्यादा ही पागल हो चुके हैं भाई, हेलीकॉप्टर वाले भाई यार। अब बड़े वाली गन निकाल, तुम्हारी पहले तो ये हेलीकॉप्टर डाउन करूँ ना भाई, उसके बाद ये जाएंगे तुम्हारी भैंस की टांग। एक तो आ जा नीचे। अबे गाड़ी गाड़ी को इस बार कुछ हो गया ना, छोड़ने नहीं वाला मैं तुम लोगों को। रुको रुको रुको, चल 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 निकल यहाँ से। और वो सामने हेलीकॉप्टर, इसको तो मुझे ब्लास्ट करना ही पड़ेगा भाई। रुको रुको रुको, इसकी भैंस की भाई ये हेलीकॉप्टर। अबे अगर अभी अगर गाइस हम लॉस सेंटोस में होते ना, अभी तक तो मैं से 10 हेलीकॉप्टर डाउन कर चुका होता, बट पता नहीं भाई यहाँ पे क्या ही सीन है, इनके हेलीकॉप्टर ही डाउन नहीं होते। वेट 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 वेट, यहाँ पे भाई भर भर के पुलिस वाले आने लगे। बैठ अपनी गाड़ी के अंदर। रुक भाई, गंद बहुत ज्यादा फैल चुका है। भाग 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 भाग, निकल भाई, इधर कुछ नहीं है। अबे यार किधर आ गया मैं? रुको रुको रुको, भाग भाई, भाग तुम्हारी ऐसी जैसी भाई साहब। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, निकलने तो बड़े प्यार से निकल तो चुका हूँ भाई, ये तो गाड़ी मस्त है, एक नंबर है गाड़ी, जिसके कारण मैं निकल चुका हूँ, नहीं तो अभी तक ना मैं वहाँ पे फंसा ही रहता। चलो ठीक है भाई, गाइस बड़े तरीके से ना हम वहाँ से तो निकल के आ चुके हैं, बट यहाँ पे ना भाई पुलिस वाले अंधाधुंध फायर कर रहे हैं मेरे ऊपर। और भाई कैसे बचू? और रुको रुको रुको, मुझे लगा भाई आगे कुछ भी नहीं है, बट नहीं, बचे 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 बचे। रुको रुको रुको, गाड़ी को पूछ मिनट में भगाना पड़ेगा, ये पुलिस वाले लिटरली पागल हो चुके हैं भाई, लिटरली पागल हो चुके हैं। रुको रुको रुको, ऊपर पुलिस ना हो फिर ठीक रहेगा, मुझे लग रहा है ऊपर तो कोई पुलिस वाला नहीं है भाई, सब नीचे के नीचे रह गए, एंड हम बड़े प्यार से ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ओके गाइस, यार ये भाई हेलीकॉप्टर वाला ना अंधाधुंध मेरे पे फायर करता ही जा रहा है, एंड मेरे बिल्कुल पीछे ही लगा हुआ है, बट इस बार तेरे को छोड़ने नहीं वाला, तेरी ऐसी की तैसी। रुक तेरी भैंस की भाई, क्या ही बंदा मेरे ऊपर पीछे लगा पड़ा है। रुको रुको, मुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा, एंड इन पुलिस वालों को तो भाई रुको मजा चखाना पड़ेगा। बड़े वाली गन निकाल, एंड ये हेलीकॉप्टर को डाउन करना पड़ेगा भाई, ऐसे बात नहीं बनने वाली यार, ये हेलीकॉप्टर भाई क्या भाई भाई, पीछे पुलिस वाले पीछे ही लग चुकी है मेरे, बट कुछ करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी लेके भागना पड़ेगा भाई। नहीं 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 नहीं, और कुदानी पड़ेगी भाई 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 भाई, मैंने कुदाने की कोशिश करी, मेरी गाड़ी कूदी नहीं, और मुझे यहाँ से फुल स्पीड में भागना पड़ेगा। रुको भाई, क्या हो रहा है भाई, ये तो अपनी गाड़ी मजबूत है, पता नहीं भाई इस बार इसका टायर नहीं निकल रहा है, टायर वायर नहीं निकल रहा है, तो पिछली बार तो भाई सब इसके पूरे टायर ही निकल चुके थे गाड़ी के।
चलो ठीक है भाई, अपने फटाफट से मैं भाई क्या कर रखा है इन्होंने, पूरे रास्ते ही रोक रखे अपने। रुको यार, यहाँ से जंप करना पड़ेगा, बट नहीं हुआ। यहाँ पे भाई इन्होंने ये लगा रखा है, मैंने सोचा था यहाँ पे जंप करूंगा। रुको भाई, यहाँ से जंप करते हैं। रुको रुको रुको, बड़े प्यारे तरीके से मैं यहाँ से जंप करके आ चुका हूँ। अभी एक काम करते हैं, फटाफट से जहाँ पे हमें लोकेशन मिली थी ना अपार्टमेंट की, वहां पे निकलते हैं। वेट भाई, पीछे पूरे बॉम्ब ब्लास्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी एक ही काम करना पड़ेगा, हमें अपनी होटल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे बिग माफिया ने लोकेशन दी थी हमें। चलो निकलते हैं भाई फटाफट से उसी जगह के लिए। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता भाई पहुंचने वाला हूँ होटल पे, और सामने ही होटल है बाकी। चलो गाइस ठीक है, अभी अपनी गाड़ी को लगाते हैं गैराज के अंदर और फटाफट से ऊपर चलते हैं। अबे क्या ही निहायत ही पागल होटल है भाई, गैराज के अंदर से ना ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। अभी अंदर जाने का जो मतलब मेन गेट है ना, वो यहाँ कहीं के कहाँ से बताया था भाई बंदे ने। एक सेकंड भाई क्या दिक्कत है भाई, इन्होंने गैराज के अंदर ना ऊपर जाने का मतलब दे ही नहीं रखा। हमारा ऊपर रूम है, एक सेकंड इसके अंदर जाके है भाई। चलो गाइस फाइनली हम जो है ना भाई लिफ्ट पे चढ़ के आ चुके हैं, और भाई क्या ही हालत करी है मेरी। और भाई ये देखो हम अपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं। अभी भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम पूरे सेफ हैं। अपार्टमेंट के अंदर तो ये नहीं आ सकते, बट ये पुलिस वाले भाई अपन को अभी भी ढूंढ रहे हैं। और ये देखो भाई सामने, देखो भाई हेलीकॉप्टर हमें कैसे अभी भी ढूंढ रहा है। चाहूँ तो मैं ऊपर जाके मतलब स्नाइपर बजा सकता हूँ, बट यार मुझे रिस्क नहीं लेना है। इनको या तो भाई रूम नंबर नहीं बताओ, क्योंकि भाई ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड भाई इधर मतलब इतने सारे लोग हैं ना, आप लोगों को क्या है मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं ना, आप लोगों को क्या ही बताऊँ। नीचे से देखो भाई बिल्डिंग कितनी ऊँची है, हम कौन से फ्लोर पे आए हैं कौन से इनको पता ही नहीं है। और बाकी अपना अभी ये होटल 5-स्टार होटल है, जिसको भाई बिग माफिया ने करवा के दिया है हमें, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब $10,000-$20,000 एक दिन का है भाई, तो बहुत महंगा है होटल। एंड भाई बहुत सारे रूम्स वगैरह है, बेडरूम नीचे है एंड डाइनिंग रूम ऊपर है। और भाई यहाँ से व्यू देखियो, अगर मैं यहाँ पे सोने जाऊँगा ना, यहाँ पे व्यू देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई। अब तो बड़े आराम से हम यहाँ पे सोएंगे, एंड नहाना धोना भी करना पड़ेगा भाई, और क्या ही बोले यार, कपड़े वपड़े चेंज करने का यहाँ पे है। एंड भाई बढ़िया यार, अपना नहा धो भी यहाँ पे सकते हैं। चलो यार फटाफट से पहले तो ना मैं नहा ही लेता हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम नहा धो के भाई बिल्कुल सही हो चुके हैं। भाई भाई साहब 5-स्टार होटल की ना अपनी अलग ही फीलिंग है, मतलब नहा के ना भाई गर्म गर्म पानी से नहा के मजा ही आ गया। चलो अब तो भाई इनको पुलिस वालों को, अभी तक भाई ये पुलिस वाले मुझे ढूंढने में लगे पड़े हैं, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। आने दो, जिसको पुलिस वालों को आते भाई मारेंगे इतना ना ये सोचते रहेगा जाके। चलो यार गाइज अभी तो सोना पड़ेगा, एंड सुबह अपना भाई टो ट्रक को लेके, वो गाड़ी को लेके अभी निकलना पड़ेगा लॉस सैंटोस में, क्योंकि लिबर्टी सिटी, अब अगर हम कल में ना लॉस सैंटोस गए तो हमें पैसे नहीं मिलने वाले। चलो यार अभी क्या ही कर सकते हैं गाइज, बाकी यार हैप्पी न्यू ईयर गाइज आप लोग को, ये साल आप लोग के लिए बहुत बहुत मस्त जाए, आप लोग की सारी विशेज पूरी हो जाए, मतलब आप लोग अपनी लाइफ में अच्छा करो भाई, यही विश मांगता हूँ मैं आप लोगों के लिए यार। चलो गाइज यार अपना माइक तो अभी सोने के लिए जा रहा है, और बाकी चलो ठीक है गाइस, करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मेरे बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और stable, oh yeah.